टीवी इंडिया के खास कार्यक्रम सवाल है में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2021-22 के लिए अपना बजट पेश कर दिया है। मोदी सरकार और बीजेपी का कहना है कि ये उम्मीदों से भरा हुआ बजट है। हालांकि ये बजट इसलिए इस बार खास है क्योंकि 8 महीने की लंबी कोरोना महामारी के बीच, जबकि तमाम चीजें अस्त व्यस्त चल रही हैं, कारोबार, इंडस्ट्री और रोजगार, नौकरियां, तमाम चुनौतियां हैं इन सब के ऊपर, ऐसे में इस बजट से काफ़ी उम्मीदें हैं, उम्मीदें थीं। सरकार ने अब बजट पेश कर दिया है, लेकिन इस पर पॉलिटिकल पार्टी अपनी क्या राय रखती हैं, एक्सपर्ट जो हैं वो क्या राय रखते हैं, इसलिए आज हम इस मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं कि वर्ष 2021 का बजट कितना खरा, कितना खोटा। और आज इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो हमारे खास मेहमान मौजूद हैं, हमारे बिल्कुल आप दाहिनी तरफ देखेंगे बीजेपी के नई के महामंत्री विजय घाटे साहब हैं। आप पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, नीतियों के ऊपर विशेष ध्यान रखते हैं। उनके बिल्कुल ठीक बगल में श्री राजीव मोहन मिश्रा जी हैं, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं और गवर्नमेंट की पॉलिसीज और योजनाओं को लेकर लंबे समय से स्टडी कर रहे हैं। बिल्कुल उनके बगल में स्मिता धमामे मैडम हैं जो शिवसेना नई के उप संगठक हैं, आपका भी स्वागत है। और आखिर में नई जिला कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल कौशिक साहब हैं जो खुद एक लॉ के जानकार भी हैं और लंबे समय से राजनीति और कारोबार दोनों को अपने नज़रिए से देखते हैं। पूरे परिचर्चा में आप सभी मेहमानों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और सवाल की शुरुआत में सबसे पहले सत्तारूढ़ पार्टी के महामंत्री विजय घाटे साहब से आपसे यही है कि आपकी सरकार कह रही है, आपकी पार्टी कह रही है कि ये जो बजट है वो उम्मीदों से भरा हुआ बजट है, उम्मीदों का बजट है। किस तरह से आप डिफाइन करेंगे इसे कि वाकई ये आम जनों की उम्मीदों पर खरा उतरने वाला बजट है, इंडस्ट्री कारोबार को लेकर ये खरा बजट है, क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले जैसे आपने आपके प्राथमिक विवेचन पे बताया कि कोरोना की महामारी के बाद आया हुआ ये पहला बजट है और मेरे ख्याल से पिछले 100 साल में ऐसी परिस्थिति नहीं आई थी। जब 6 महीना सब कुछ बंद पड़ा हुआ था, रेलवे तक बंद पड़ी हुई थी, ऐसे सिचुएशन में आज अगर कारोबार को शुरू करना है तो ये बहुत बड़ा रिस्ट्रिक्शंस ये बजट के ऊपर डेफिनेटली है, ये मैं मानता हूँ। रिसोर्सेस कम है और मेन बात मेरा सबसे निवेदन रहेगा, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो चाहे कोई भी हो, कि इकोनॉमिक्स की नज़रिया से बजट को देखना चाहिए, ना कि पॉलिटिकल नज़र से देखना चाहिए। दुर्देव की बात यह है कि जहाँ पॉलिटिकल नज़र से आप देखने चलते हो तब जाके ये सारी चीज़ें आर्ग्यूमेंट्स की तरफ जाती है, लेकिन इकोनॉमिक्स के नज़र से अगर आप देखेंगे तो आपको ये उम्मीद भरा नज़र आ जाएगा। अब ये बजट में जो जो प्रोविजंस की गई है उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें जो है कि जॉब ओरिएंटेड है, पैसा का रोटेशन शुरू हो रहा है और फैसिलिटीज़ भी दी जा रही। 27 लाख करोड़ के करीब का बजट है जबकि 31 लाख करोड़ के करीब प्रावधान किए हुए, तो 4,12,000 करोड़ का डेफिसिट में ये बजट है, ऐसा मेरा अपना कह रहा है। मैं कोई इकोनॉमिकल एक्सपर्ट नहीं हूँ, पर कॉमन मैन की नज़र से ये देखता हूँ। इसके अंदर प्रायोरिटी सबसे पहली दे दी है अपने हेल्थ सेक्टर को दे दिया है। हेल्थ सेक्टर को 2,63,000 करोड़ का प्रोविजन किया गया हुआ है क्योंकि कोरोना महामारी ने काफ़ी कुछ हमको सिखाया कि हम लोग की कमियां कहाँ है, क्या नहीं है, हमको सिखाया। 35,000 करोड़ का तो प्रोविजन है न्यूमोकोकल वैक्सीन के लिए जिसके वजह से बच्चों की डेथ वगैरह सब होती है। किसान क्षेत्र के लिए फंडिंग के लिए FPO के लिए वगैरह प्रोविजन किया गया है। शिप बिल्डिंग में और शिप जो कट करते हैं शिप्स वगैरह वो बिजनेस के लिए भी प्रोविजन किया गया है। लेकिन आज हमने ट्रेनिंग सेंटर चालू कर दिया, तो ट्रेनिंग सेंटर चालू होने के बाद यहाँ पे जो जॉब्स बढ़ेगी क्योंकि पूरे वर्ल्ड में 2 कंट्री के शिपिंग जॉब्स लेने वाले लोग ज्यादा, एक फिलीपीन और एक इंडिया, जिसमें हमने आज तक फोकस नहीं किया था, वो फोकस जॉब के हिसाब से बजट में प्रोविजन किया गया है। यहाँ तक कि ट्रेनिंग के बाद आज आप देखेंगे पनामा वगैरह सब रजिस्टर जो शिप रहते हैं आज इंडियन फ्लैग की शिप भी आना कुछ देर में शुरू हो जाएगी। डिफेंस सेक्टर में अगर आप देखेंगे तो डिफेंस में हमने अपना मैन्युफैक्चर लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट हमने मैन्युफैक्चर शुरू किया हुआ है, एम्यूनेशन हमने एक्सपोर्ट शुरू किया हुआ है, ये प्रोविजन किया गया है। एग्रीकल्चर सेक्टर में आप अगर देखेंगे तो एग्रीकल्चर सेक्टर में काफ़ी सारे रिफॉर्म्स किए गए, फंडिंग किया गया हुआ है और बजट में MSP लागू किया गया है जो एश्योर करता है कि किसान का अपना उत्पादन का 1.5 टाइम्स जो स्वामीनाथन कमीशन के
फर्स्ट टू सजेशंस में दिया गया था, थर्ड सजेशन जो है वो पार्लियामेंट में डिस्कस हो जाएगा कि थर्ड अमेंडमेंट हो सकता है या नहीं हो सकता है। आगे चल के आप एजुकेशन में अगर आप देखेंगे तो एजुकेशन में एससी वर्ग के जो है उनको पढ़ाई के लिए प्रमोट करने के लिए फंडिंग अरेंजमेंट की गई है, 100 सैनिक स्कूल इंडिया में प्लान किए गए हुए और 750 एकलव्य स्कूल यानी जो ट्राइबल जो हिल एरिया में वगैरह रहते हैं, आदिवासी सेक्टर में रहते हैं उनके लिए, ऐसे काफी सारी योजना इन टोटल बजट में रिस्ट्रिक्टेड टाइम में जो आज के महामारी के वजह से आया हुआ है इसमें से ये अप्रोच करने का कोशिश किया गया और इसमें जॉब्स भी क्रिएट हो जाएंगे, एक पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ भारत के तो भारत चलना शुरू हो जाएगा। और उसकी शुरुआत वैक्सीन हमने 100 देशों को जब देना शुरू कर दिया उसी वक्त एक साधारण से साधारण भारतीय नागरिक के भी दिल में आ गया, हाँ मेरा भारत आज लोगों को कुछ देने के लायक है ये महामारी के बाद भी। ये बजट का मैं उम्मीद भरा बजट। सब आप कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कांग्रेस इस वक्त भी अभी कह रही है एक तो किसानों का आंदोलन चल रहा है, दूसरी तरफ ये बजट आया है और पेंडेमिक की जो तकलीफ थी वो जो चुनौती थी वो सामने, क्या आप किस नजरिए से देख रहे हैं बजट कैसा है, आपकी नजर में क्या वाकई उम्मीदों भरा बजट है ये? ये जो बजट है मोदी साहब ने नारा दिया था हम दो हमारे दो, सरकार ने से पहले वो नारा इन्होंने पूरा किया, मैं स्वीकारता हूँ। हम दो कौन कौन है? मोदी साहब, अमित शाह, हमारे दो कौन कौन है? एक अदानी एक अंबानी। तो ये तो उन्होंने अच्छा करके दिया है इस बजट में। आप बताओ आम आदमी क्या चाहिए बेचारे को, कोरोना की मार पड़ी है, टीवी फ्रिज बंद पड़े हैं वही महंगे कर दिए, एलईडी बल्ब वही महंगे कर दिए, बच्चे खिलौने, अरे बच्चे खिलौने क्या है? एक बार खेलता है नहीं अरे क्या 9% टैक्स, 9% बोलने में किधर भी नहीं है, जूते पे 4-5% टैक्स, अरे वो जानते हो घर में छोटे प्रिंटर था सस्ता करना चाहिए, क्यों? मोदी साहब को मालूम पड़ गया कि अभी वर्क टू होम चल रहा है तो प्रिंटर भी उस पर टैक्स लगा दिया। ये बोलते हैं बिजली बनाओ, बाहर का लाइट पड़ता है 9 रुपया यूनिट के हिसाब से, 10 रुपया यूनिट के हिसाब से, लोगों ने अपना बिठाने सोलर पैनल उस पर भी टैक्स लगा दिया 5% के हिसाब से। इससे कमोडिटी आइटम के रेट बढ़ेंगे और सबसे खतरनाक जो काम किया है इस बजट के अंदर किसान को मार दिया, पीएफ के ऊपर टैक्स लगा दिया, मतलब पैसा रख ही नहीं सकता इधर भी, पाम तेल जैसे भी टैक्स लगा दिया जो गरीब आदमी खाता है। आप मुझे बताओ कि जो बजट बनाया है गरीब तो गरीब बनेगा अमीर अमीर बनेगा, मध्यम वर्ग को खत्म कर दिया है, ये टैक्स का निचोड़ है, चाहे आप कहीं बैठ जाओ और टैक्स का पूरा आपका ये ब्यौरा इसमें कुछ इधर रखा है, आपकी नजर में क्या वाकई जो ये सरकार कह रही है कि उम्मीदों भरा बजट है, आपको कितना इसमें उम्मीद नजर आ रही है? अभी जो हमारे अर्थमंत्री निर्मला जी सीतारमण ने जो बजट पेश किया है सादर किया है तो कॉमन मैन की उम्मीद थी जो पूरी टूट चुकी है। एक फॉर एग्जांपल अगर लेते हैं हम तो इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं है, बराबर। और नेक्स्ट अगर पॉइंट हम लेते हैं तो पेट्रोल और डीजल के भाव बढ़ गए हैं तो उसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन बढ़ जाएगा और पूरी महंगाई बढ़ जाएगी। और अगर हमारे भारत के पंत प्रधान है या फिर अर्थमंत्री है उन्होंने निष्पक्ष होके ये बजट पेश करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने क्या किया है, पश्चिम बंगाल, आसाम, तमिलनाडु, यहाँ पे अभी चुनाव आने वाले हैं, तो वो चुनाव जीतने का उन्होंने सामने रखते होते हुए उन स्टेट्स को ज्यादा जो भी फंड अलोकेट करना चाहिए वो किया है। और महाराष्ट्र को क्या दिया, सिर्फ नाशिक और नागपुर में मेट्रो के लिए फंड अलोकेट किया है, वो कि एक्चुअली उन्होंने देखा चाहिए तो महाराष्ट्र पूरे भारत में, ये महाराष्ट्र ऐसा स्टेट है कि वो सबसे ज्यादा जीएसटी का टैक्स पे करता है, तो महाराष्ट्र की उम्मीद बहुत ज्यादा थी, वो उम्मीद आज टूट गई है और हम बिल्कुल ही खुश नहीं है, नाराज है। कॉमन मैन जो कि उसकी उम्मीद ज्यादा थी वो भी पूरी टूट गई है। तो हमारी तरफ से ये बजट
ठीक नहीं है। मिस्टर जी, आप एक बतौर एक्सपर्ट मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जैसा कौशिक साहब ने भी कहा कि जब उस आधार पर बजट बनाया गया है, प्लानिंग उस आधार पर की गई है कि आगे से पैसा आएगा, कि इन्वेस्टमेंट आएगा, तब जाके योजनाओं को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। शिवसेना का कहना है कि ये नाउम्मीद भरा बजट है, जैसा आपने खुद सुना, आपकी नजर में वाकई ये बजट कैसा है? किस तरह से आपने इसको स्टडी की, ऑब्जर्वेशन क्या कह रहा है आपका? मैं तो सबसे पहले उस बात पे जाता हूँ कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है आत्मनिर्भर भारत, तो मुझे तो यह देसी आत्मनिर्भर नजर नहीं आ रहा है। इसका उदाहरण मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आप आ जाओ कि जो हमारी सरकारी संस्थाएं हैं आप उसको बेचने निकले हैं, फिर आप किस आधार पे आत्मनिर्भर होने की बात कर रहे हो? जो हमारे एसेट्स हैं, नेशनल एसेट्स हैं, आप उसकी नीलामी करने निकले हो? ये राष्ट्रीय शर्म का बजट है, ये राष्ट्रीय शर्म का बजट है मेरी नजर में। जब हम आज आपको मैं कंपनी गिनाने जाऊं तो अगर आप देखेंगे तो बीपीसीएल, एयर इंडिया, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, आईडीबीआई बैंक, बीईएमएल, पवन हंस, नीलांचल इस्पात निगम, एलआईसी, ये सारे आप बेचने निकले हो और उसके बाद उससे बच गए हो तो आप कह रहे हो कि हम दो सार्वजनिक बैंक भी बेचेंगे। अब भी आप समझो कि हमारे बैंकों से लोन लेकर के जो लोग डिफॉल्टर बने हैं कल वो हमारे बैंकों को खरीदेंगे, व्हाट इज गोइंग ऑन? और इस तरह की परवानगी एक गवर्नमेंट होने के नाते आपको सबसे पहला दायित्व ये था कि जितने बड़े डिफॉल्टर हैं बैंक के उनका आपको पैसा जब्त करना चाहिए था, उनकी संपत्ति जब्त करनी चाहिए थी, तो आप उनको बैंक बेचने का मौका दे रहे हो। एलआईसी से 40,000 करोड़ रुपया आपने प्राइवेट सेक्टर को लोन दिलाया और आज उसी एलआईसी को आप बेचने जा रहे हो। इसका मतलब है कि हमारे जो गवर्नमेंट उपक्रम थे जहां की लोगों की एम्प्लॉयमेंट मतलब सिक्योर्ड थी, गवर्नमेंट जॉब आना मतलब सिक्योर्ड एम्प्लॉयमेंट, उसको सिक्योर्ड एम्प्लॉयमेंट, आपने सिक्योर्ड एम्प्लॉयमेंट को खत्म करने की जो ये साजिश रची है, ये जो पेपर आप देख रहे हो, लोकसत्ता, लोकमत, टाइम्स ऑफ इंडिया, यहाँ से आप जाके पता करो कितने लोग पिछले एक साल में बेरोजगार कर दिए गए। एमएसएमई अभी आपने 15,700 करोड़ का उसमें अरेंजमेंट किया, आप मेरे को बताओ, अरे नंबर ऑफ एमएसएमई आपको पता है क्या? उस हिसाब से इस 15,700 करोड़ का क्या वैल्यू है? आप बताओ कौन से एमएसएमई को आप खड़ा कर दोगे, उनको कहां से फाइनेंशियल सपोर्ट आप दे दोगे? जो जीवन बीमा मतलब मेरे भविष्य का, मेरे जान को नुकसान पहुंचेगा तो उसमें मेरे परिवार को कम से कम खाने पीने का सामान रह सके, सुरक्षित रह सके, उसके लिए जो हम पैसा इन्वेस्ट करें आप उसको प्राइवेटाइज करने जा रहे हो? कौन गारंटी लेगा कल जैसे ये लोग बैंक के डिफॉल्टर हो गए, एलआईसी के डिफॉल्टर हो जाएंगे, मेरे पूंजी की गारंटी कौन लेगा? क्या इस देश को आप बेचने निकले हैं या इस देश की सम्मान को गिरवी रखने निकले हैं या इस देश को एक सम्मानजनक बजट देना चाहते हैं? अभी आपको मैं बता दूं कि अगर आप देखने जाओ जैसे पेट्रोल एंड डीजल की बात की, अभी आप देखो इन्होंने कहा डिजिटल इंडिया बनाएंगे, महंगा क्या क्या किया, मोबाइल और चार्जर, फिर इन्होंने कहा बिजली बिल बचाने के एलईडी बल्ब इस्तेमाल करो, महंगा क्या किया, एलईडी बल्ब, उसके बाद इन्होंने कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण मतलब कंप्यूटर सब, प्रिंटर सब आपका महंगा हो गया। मतलब आपने एक तरफ चाय पिलाने की आदत लगाई, चाय पीने की आदत लगाई और चाय पत्ती और शुगर को महंगा कर दिया, ये कौन सा सिस्टम चल रहा है? और उतना छोड़ दो, ये अभी फार्मर्स के लिए बोल रहे थे कि बहुत कुछ सोच रखा है गवर्नमेंट ने, अब आप देखो आ जाओ, यूरिया महंगा, डीएपी खाद महंगा, आपके घर में आने वाला चना दाल महंगा, ये सारी चीजें आपको महंगा आप करते जा रहे हैं। दूसरी चीज कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि डे टू डे लाइफ से जुड़ी हैं, जैसे पेट्रोल एंड डीजल। अरे साहब, एक दिन अगर आप पेट्रोल 1 लीटर भराते हो तो आप 70 रुपया मतलब 93 रुपए है जो 29 रुपए एडजेक्ट रिफाइंड किया हुआ तेल का कीमत 29 रुपए है, आप हमको एक दिन में 1 लीटर पेट्रोल पे 64 रुपए टैक्स ले रहे हो। अगर हम 1 लीटर पेट्रोल पर डे आपके यहां भराते हैं तो आप एक महीने में मुझसे 2,000 रुपया टैक्स ले रहे हो, सिर्फ टैक्स, और उसके बाद भी इनकम टैक्स ले रहे हो और मेरे एम्प्लॉयमेंट की कोई गारंटी नहीं है। अगर हम मान लो आज बिजनेस कर रहे हैं, कोई बड़ा बिजनेस कर रहे हैं और मेरा बिजनेस फेल्योर हो जाता है तो हमको कहीं से भी हमको फाइनेंशियल हेल्प देके खड़ा करने की कोशिश नहीं की जा रही है, लेकिन हम 2 रुपया कमा रहे हैं तो हमसे इनकम टैक्स वसूलने की तैयारी पूरी है। बिल्कुल सही कहा आपने, अभी जवाब दीजिए घाटे साहब, क्या कहना है आपका? उन्होंने तो बहुत लंबी फेरिस्त गिना दी है इस बजट के नेगेटिव पॉइंट्स की, क्या है आपके पास पॉजिटिव पॉइंट्स? बेसिक उन्होंने ले लिया कि फ्यूल के ऊपर टैक्सेस बढ़ गए करके,
निर्मला सीतारमण जी ने अपने भाषण में कहा कि जो 2.5 रुपीस ऑन पेट्रोल और 4 रुपया डीजल के ऊपर जो सेस लगा रहे कृषि सेस, तो वो कृषि सेस का प्राइस इंक्रीज के तरफ कोई कनेक्शन नहीं होगा। जो लैंडिंग प्राइस समझो 70 रुपया लीटर है तो 70 रुपया ही रहेगा, लेकिन उसके अंदर से 2.5 और 4 रुपया कृषि के लिए एडजस्ट किया जाएगा। तो प्राइस 70 के ऊपर 2.5 रुपया या 70 के ऊपर 4 रुपया ऐसा सबसे पहला नहीं है। वही काबुली चना वगैरह उसके लिए भी सेम है। अभी जहाँ इम्पोर्ट होते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम इम्पोर्ट होते हैं, तो वो इम्पोर्ट के ऊपर ड्यूटी बढ़ाई, क्योंकि एमएसएमई के तरफ से जो कोई प्रोडक्शन इंडिजीनियस प्रोडक्शन जो रेडी होगा उसको एक मार्केट अवेलेबल रहेगा और इम्पोर्ट का जो टेंडेंसी है वो टेंडेंसी कम हो जाएगा। मैं वापस कहता हूँ कि हम लोग ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं एक तरीके का जो इकोनॉमी चल रहा था इंडिया में 70 साल से, वो 70 साल की इकोनॉमी को हम लोग एक ट्रांसफॉर्म करके एक स्ट्रीमलाइन करते समय जो हर्डल्स है वो हर्डल्स हम लोग सारे लोग फेस कर रहे हैं, मैं भी फेस कर रहा हूँ, सारे कॉमन मैन फेस कर रहे हैं, लेकिन जो ये बता रहे उतना हो नहीं रहा। मैं आपको एक बात बताता हूँ, आज इन्होंने कहा कि सब बेचना चालू कर दिया, ये बेचना चालू कर दिया और आईपीओ निकाल के होल्डिंग बढ़ाना, ये दो चीज़ के अंदर बहुत बड़ा अंतर है। कई बार मैंने सुना रेलवे बेच दिया, फलाना बेच दिया, ठिकाना बेच दिया, अंबानी अडानी, ये दो तीन जो चीज़ें हैं ना विरोधी पक्ष में ये एक ही मानसिकता से बात कर रहे हैं, लेकिन टेक्निकली अगर LIC को एक्सपांड करना है तो फंड्स कहाँ से लेके आना है उसके बारे में हम नहीं बताएंगे, लेकिन आप IPO मत निकालो। अच्छा, FDI के तरफ 74% जो FDI किया हुआ है, तो FDI जब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ जाएगा इंडिया में, इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाएगी, उसके बाद भी जो आदमी आ रहा है उसके रिस्ट्रिक्शंस डाले गए कि भाई आपके कौन आदमी रेसिडेंट इंडियन होना चाहिए, आपके फंड्स का किस तरीके से आप बेनिफिट ले सकते हो, ये सारे रेस्ट्रिक्शंस डाले थे। ये जो भी FDI है ये रेस्ट्रिक्टेड FDI है और 100% किसी के हाथ में चला गया, अंबानी के हाथ में चला गया, अडानी के हाथ में चला गया, ये भी घिसा पिटा डायलॉग है, इसके अंदर नया कुछ अगर बात करेंगे तो ज्यादा बेटर। मैं ऑथेंटिकली इनके बात का जवाब देना चाहूंगा। ये अंबानी अडानी बोल रहे हैं तो मैं अंबानी अडानी का ही बात करूंगा। अभी आपको मालूम है 5,000 एकड़ जमीन प्रकल्प ग्रस्तों से ली हुई जमीन को हम लोगों ने ACZ के नाम पर 2005 में अंबानी को दे रखा है। 2005 से लेके आज 2021 हो गए, उस ACZ को जब हम लोग दे रहे थे तो हम लोगों ने क्या कहा था कि यहां पर 25,000 करोड़ का फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा और 5 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। आज जवाब दे दें कोई कि ये अंबानी को दिया हुआ इस 5,000 एकड़ जमीन में कितने रोजगार पैदा हो गए। वहां पर एक प्लिंथ का एक पत्थर नहीं रखा गया है पिछले 16 साल में, वो लैंड बैंक के सिवा कुछ नहीं था। अदानी को आपने, अदानी को आपने, एक मिनट, 2005 में सरकार किसने जमीन छोड़ दी, ये इस पर नहीं जाना। क्यों मैं आपके FDI पर, आप जब भारतीय जनता पार्टी को बोल रहे हैं, मैं आपको पूछ रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी में जा ही नहीं रहा हूँ, 2005 में अंबानी को जमीन दिया किसने, आप देखो ये आप मुझे बात बताइए, और सरकार किसकी थी, स्टेट गवर्नमेंट वॉइस हूँ, मेरे लिए न कांग्रेस न मैं आपको इंडियन आदमी को ही पूछ रहा हूँ, आप इंडिपेंडेंट को ही पूछ रहा हूँ, किसका किसका गवर्नमेंट था, किससे एलोकेट किया हुआ था, ये बात बताइए। सरकार किसकी थी, 5,000 एकड़ अगर जमीन अंबानी को कांग्रेस ने दे दी तो 4,000 एकड़ अदानी को किसने दे दी, JNPT SEZ, वो भी बता दीजिए सामने कैमरे में। मैं आपको बताता हूँ, बोल दीजिए किसको दिया, PPP मॉडल के अंदर सिंगापुर पोर्ट के लिए ये जमीन अलॉट किया गया है। दिया ना किसने, काम चालू है ना, किसने दिया, काम चालू है कि नहीं, उसमें काम चालू है, यस, और जॉब्स आ गए कि नहीं, सुनो ना कितने जॉब्स आए, कि जॉब्स आए कि नहीं, 5,000 से 6,000 जॉब आ गए। दूसरी बात, एक मिनट, दूसरी बात, रिकॉर्ड दिखाएंगे आप, बिल्कुल दिखाऊंगा, नहीं तो डिबेट में आप स्वीकार करो, मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूं, रोजगार आए हैं वहां पे, ऑन कैमरा बोल रहा हूं, जवाब देने दीजिए, जवाब देने, ऑन कैमरा बोल रहा हूं। पार्किंग प्लाजा कहां पे आ गया, पार्किंग प्लाजा कहां पे आ गया, अरे जो चीज डेवलप नहीं हुआ उसके बारे में आप क्यों बात कर रहे हैं, मैं डेवलप नहीं हुआ, एक्चुअल काम कार्यरत हुआ हुआ पार्किंग प्लाजा के बारे में बोल रहा हूं। आप JNPT जाके आइए, पार्किंग प्लाजा कहां है, और कल मैं वापस ये स्टूडियो में आता हूं, अगर नहीं होगा मैं माफी मांगूंगा। यहाँ पे पार्किंग प्लाजा है कि नहीं मुझे बात बताइए, वहां पे दिक्कत क्या है, घाटे मुझे कंप्लीट करने दीजिए। JNPT की दो बेसिक डेवलपमेंट मैं आपको बताता हूँ जो प्रॉब्लमेटिक थी लोगों के लिए।
उसके अंदर प्लस माइनस भी है। क्या प्लस माइनस है मैं बताता हूँ आपको। जो ट्रांसपोर्टर थे ना, वो अपना मनमानी करते थे और अपना भाड़ा लेके जाते थे। एक मिनट सुनिए मेरी बात। वो भाड़ा स्ट्रीमलाइन करके ले लिया, लेकिन वहाँ पे जो दिनों बहुत दिन बिना कोई तक फैसिलिटी के खड़ा रहना पड़ता था, वो आज के तारीख में टोल पार्किंग प्लाजा के वजह से हुआ नहीं। आप पार्किंग लेके आपका नंबर ले लीजिए, आपका नंबर आ जाएगा, एंट्री मिल जाएगी, आपका खाने के लिए कैंटीन से लेके सब सुविधाएं। साइमल्टेनियसली अगला फेज में इनको जाने का भी क्या बोलते हैं, भाड़ा आपका रेडी रहेगा, ये फैसिलिटी किया गया है। नहीं नहीं सर सही है, वो सही, आप साफ तो सही ये डेवलपमेंट हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है। अगर नहीं हुआ है तो आप जेएनपीटी जाके आइए, मुझे बात बताइए, कल मैं 4 बजे यहीं वापस आता हूँ। नहीं हुआ तो मैं माफी मांगूंगा, और क्या चाहिए। कांग्रेस पार्टी से भी ओपिनियन लेना जरूरी है। कौशिक साहब क्या कहना चाहेंगे सर, जैसे भाजपा ने 4,000 एकड़ जमीन दे दी अदानी को, आपकी सरकार ने 5,000 एकड़ जमीन दे दी रिलायंस को, और दोनों का दिया हुआ जमीन का जो टारगेट था कि 5 लाख लोगों को नौकरियां मिलेगी, अब तो अदानी का प्लस हो जाएगा तो 5 लाख से ज्यादा होगा। आखिर ये क्यों नहीं हो पाया, आपकी सरकार भी नहीं कर पाई और बीजेपी ने तो बीजेपी ऊपर तो सवाल ही है कि अभी तक नहीं हो पाया है। देखिए ऐसा है, घाटे साहब का तो बोलने का जो अलग स्टाइल मानना पड़ेगा, क्यों बीजेपी वाला यही है। आप उनके स्टाइल पे मत जाइए सर, आप जवाब दीजिए। यस अभी हमने जमीन जो अंबानी दी थी मोदी डेवलपमेंट को, आज हमारी सरकार तो चली गई, इन्हें पीछे लगना चाहिए था, इन्हें और भी दे दी कि बाबा तू और भी ले ले, बराबर है। हमने टारगेट सीधी चली करता वापस लेते थे मीडियो की, और हमने जमीन वीडियो कॉल की वापस ली, डेवलप नहीं कर पाया, उसने कंपाउंड चालू किए, बिल्डिंग बनाए, हमें लगा डेवलप कर रहा है ये, हमारी सरकार गई और दे दी और ले ले भाई। और बताता हूँ, 1 रुपये में गुजरात में अदानी को पूरी प्लॉट की जमीन दी है, शर्मानी चाहिए, वो जमीन के बाप की जमीन थी, पब्लिक की जमीन थी, वो ऐसे देने पकड़ में लुटा देने का। कोरोना काल में लोग भूखे मरे, खाने के वांदे थे, अदानी अंबानी सुजलाम सुफलाम हुए, देवोत्तर कैसे हुए, कहा से रहे पैसा, कोई उनको जीएसटी नहीं, कोई इनकम टैक्स नहीं, कुछ नहीं, पूरा देश तुम ले लो, रेलवे भी तुम ले लो, अभी जेएनपीटी दे रहे, थोड़े दिन बिता जाएगी, जो कुछ बचा है ना देश का, ये क्या होगा। जैसे ब्रिटिश के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, फिर कब्जा किया, आज देश 2 और 2 के कब्जे में जा रहा है। डिस इन्वेस्टमेंट के नाम से प्राइवेटाइजेशन चल रहा है, और जो भी एम्प्लॉय का एश्योरिटी थी वो कम होते जाएगा, और इन फ्यूचर मुझे लगता है अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा। और एक्चुअली अगर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है, अभी फिलहाल तो लोगों के पास पैसा नहीं है तो वो खर्च नहीं कर पा रहे, तो वो पैसा रोटेट कैसे होगा। और बड़ी बात क्या है कि अगर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी होनी चाहिए तो उसके लिए रास्तों का भी अच्छा होना जरूरी है। यहाँ पे इस बजट में उन्होंने महाराष्ट्र के लिए हाईवेज के लिए कुछ बजट में पेश नहीं किया है, तो रास्ते ठीक नहीं है और मनी सर्कुलेशन नहीं हो रहा है, ट्रांसपोर्ट डीजल और इसकी वजह से पेट्रोल के महंगाई की वजह से ट्रांसपोर्टेशन खर्चा बढ़ रहा है, तो अनएम्प्लॉयमेंट कैसे कम होगी, इसका क्या प्रोविजन है, क्या प्रोविजन किया है। और इंडस्ट्री में नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, जो कि सोलर पैनल्स उन्होंने बोला है, सोलर का वो जो है तो वो महंगा किया है, तो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी को उन्होंने बूस्ट करने के लिए प्रोविजन करनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे तो उल्टा चल रहा है। फिर वो स्मार्ट सिटी की लास्ट टाइम बात की थी, उसका तो क्या एंड तक हुआ पता नहीं, फुल प्रूफ तो कुछ हुआ नहीं। और अभी डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं, जैसे सर ने बताया डिजिटल इंडिया में वो मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के दाम बढ़ा रहे हैं, तो एक तरफ क्या चल रहा है उनका डिजिटल इंडिया, दूसरी तरफ क्या चल रहा है उसका ही महंगा, उसी को अप्लायंसेस को महंगा कर, तो ये कंट्रोवर्शियल है ये जो बजट है। जवाब दीजिए सर, कंट्रोवर्शियल है। एक तो मैंने इसके पहले भी बताया, इम्पोर्ट जो होते हैं, इम्पोर्ट कम करने के लिए इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाई गई है, इंडिजिनियस जो है उसके लिए कोई चेंजेस हुए नहीं, चेंजेस नहीं है। और ये बजट का बेसिक ये है कि इतना सारा डिजास्टर होते हुए भी एक भी नया टैक्स इम्पोज किया नहीं है, ये तो अप्रिशिएट करना चाहिए। दूसरी बात, जैसे जैसे ऑटोमाइजेशन होते जाएगा इंडस्ट्री में, वैसे वैसे मैन पावर की रिक्वायरमेंट कम होती जाएगी, ये फैक्ट कोई भी जो इंडस्ट्री में काम करता है वो डिनाई नहीं कर सकता है। आज आप खेती ले लीजिए, आज आप रोड का रोड ले लीजिए, कंस्ट्रक्शन ले लीजिए, कोई भी फील्ड ले लीजिए, ऑटोमेटाइजेशन के वजह से रिक्वायरमेंट ऑफ मैन पावर एक कम होती जाएगी।
रिक्वायरमेंट ऑफ मैन पावर कम होती जाएगी तो आदमी के करना क्या रोजी रोटी के लिए, ये क्वेश्चन खड़ा हो जाता है। उसके लिए एमएसएमई में तीन पार्ट दिए हुए, माइक्रो स्मॉल और मीडियम। आप माइक्रो स्मॉल में आत्मनिर्भर के लिए खुद अपना बिजनेस चालू करने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ ब्रेन काफी अच्छे हैं और मेहनत करने के लिए इंडियन लोग कभी भी पीछे नहीं हटते। तो ये बीमा क्षेत्र में एफडीआई का इन्वेस्टमेंट क्यों बढ़ाया है? सुनिए ना, क्योंकि हमको फंड्स, हमको इन्वेस्टमेंट तो चाहिए, लार्जर इन्वेस्टमेंट चाहिए। आत्मनिर्भर की व्याख्या क्या है? सर सर मैं उसी विषय पे आ रहा था। एफडीआई देखिए, फॉरेन जो पैसा आता है ना, जैसा मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूँ, राफेल का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक कोई बड़े नेता ने कहा था 30,000 करोड़ ऐसे जेब में डाला किसी के, ऐसे किसी का नाम भी मो गया। अब एक्चुअली अगर पूरा का पूरा अगर आप स्टडी करेंगे कि हुआ क्या था, तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर मैन्युफैक्चर इन इंडिया ये कंसेप्ट है। क्योंकि मैं किसी कंपनी के साथ, सुनिए ना सर, सर मैं इस विषय को जानबूझ के मैं रोक रहा हूँ, क्योंकि ये बड़ा हमें आम लोगों से जुड़ा हुआ जो मामला है, हम उस पर चर्चा हम लोग कर रहे हैं। और मकसद यही है कि जो सरकार ने ये बजट पेश किया उसमें कारोबार के लिए कितनी राहत है, आम जनों के लिए कितनी राहत है, किस तरह से इम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, कैसे उद्योग आगे बढ़ेंगे। मिश्रा जी बोलिए, क्या बोलना अभी देखिए, सबसे बड़ी बात एक जो एसीजेट की बात हुई थी उसमें एक छोटा सा मैं आपको एक सुधार बता देता हूँ, इनके गवर्नमेंट के अचीवमेंट बता देता हूँ। जब देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री थे उन्होंने एसीजेट का प्रारूप ही बदल दिया और उसको कर दिया इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल एरिया। अभी आप देखो आईआईए क्या कहता है, आईआईए कहता है, हालांकि उसमें एफएसआई उन्होंने चेंज नहीं किया, कि मतलब उसमें क्या है कि एसीजेट में है कि 15% ही आप कॉमर्शियल और रेसिडेंशियल कर सकते हैं, बाकी 85% आपको इंडस्ट्री करना है। तो उन्होंने क्या किया, आईआईए ला दिया उसी कंडीशन पे 15% पे, लेकिन आईआईए में 45% तक आपको कमर्शियल एंड रेसिडेंशियल का परमिशन है। मतलब इन्होंने आईआईए का दर्जा दे दिया, कल वो जाएगा कोर्ट में, बोलेगा साहब आईआईए का ये फॉर्मुलेशन है, हमको भी 45% दे दिया जाए, वो 45% कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल लेके आ जाएगा। एक बात, दूसरी बात कि एम्प्लॉयमेंट में अभी आप देखने जाइए तो मैं बार बार कहता हूं कि पहले गवर्नमेंट का फर्ज क्या है कि जॉब को आप सिक्योर करो। जॉब की सिक्योरिटी क्या है कि अगर कोई वर्क 240 दिनों तक, वर्ष में 240 दिनों तक समान, माने उसको काम मिलना ही है, वो काम चलता ही है 240 दिनों, तो उसमें आपको परमानेंट करना है। अगर इसमें सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हैं, इसमें हाई कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, सबने कहा है कि आपको परमानेंट करना चाहिए। आपने परमानेंट करने के लिए किसी कंपनी पर दबाव नहीं डाला, छटनी करने के लिए आपने तुरंत कह दिया कि 300 से कम का स्ट्रेंथ जिसका है वो जब चाहे छांट सकता है, उसको आपने परमिशन दे दिया। परमानेंट करने का आपने कोई सोल्यूशन नहीं निकाला। उसके बाद कि इन्होंने जो बोला इन्वेस्टमेंट की बात, अरे यार किसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, LIC इज ए प्रॉफिटेबल कंपनी, MTNL हमारी प्रॉफिटेबल कंपनी थी जो बिक गई, चाहे जिसके भी हाथों बिकी हो, लेकिन MTNL VSNL हमारी प्रॉफिटेबल कंपनियां थी और वो आज बिक करके कंगाल हो गई। और उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करके ये आप वोडाफोन, एयरटेल, जियो, फियो सब आप जो देख रहे हैं ये सब उनकी देन है। हमारा इसी बात पर कौशिक साहब ने कहा कि ये वापस ईस्ट इंडिया कंपनी की एक तरफ से एक रास्ता बन रहा है कि जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आई, पहले छोटा कारोबार की, उसके बाद बड़ा कारोबार, और फिर देश में अंग्रेजों का राज हो गया। हाँ, क्या कहना चाहती मैडम, फिर उसके बाद कौशिक साहब से मैं सवाल। और आम आदमी का जो भी रिटायरमेंट के बाद पूंजी क्या होती है, तो PF होता है रिटायरमेंट के बाद, वो हमारे बच्चों का हायर एजुकेशन के लिए पैसा स्पेंड करना चाहता है, बच्चों की शादियों के लिए पैसा स्पेंड करना चाहता है, लेकिन उसी के ऊपर भी 2.5 लाख के अगर ज्यादा है निवेश होता है तो उसी के ऊपर भी उन्होंने टैक्स लगाया है, तो ये सही है क्या? बिल्कुल सही नहीं है। चलिए इसमें मैं जवाब लूंगा अभी घाटे साहब से, कितना सही है कितना गलत है। कौशिक साहब क्या कहना, जो अभी बात हुई है कि आपकी भी सरकार तो फेल रही है रोजगार देने में, इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने में, जमीनें दे दी बड़े बड़े कारपोरेट घरानों को, और जब आपकी सरकार नहीं है तब आप बीजेपी पे आप लोग सवाल उठाते हैं कि इन्होंने जमीनें दे दी। पहली बात तो ऐसा है कि कांग्रेस की सरकार में जो भी काम हुए ठोस्ट हुए, चाहे वो पोर्ट का हो, चाहे वो इंडस्ट्री का हो, और चाहे वो रेलवे का हो, और चाहे डिफेंस का हो। और भ्रष्टाचार का अगर बात करेंगे, बीजेपी की सरकार में आप राफेल ले लो, पोर्ट ले लो,
आप रेलवे ले लो, इनका काम एक ही है, चीज को फुगाने का सब पूरा, परोसने का, दिखाने का, लेके जाते ठूस। वर्ल्ड के अंदर सबसे पावरफुल कंट्री है अमेरिका। अमेरिका के अनुभवी राष्ट्रपति ने क्या बोला था कि मनमोहन सिंह नहीं है, ये अर्थव्यवस्था का वर्ल्ड का गुरु है। उस आदमी के ऊपर इनके नेता ने क्या बोला, बाथरूम में रेनकोट पहन के नाना जी को देसी जी को, ये तो इनका विचार है। ये क्या बजट बनाएंगे, क्या डेवलपमेंट देश का करेंगे। 91 से पहले अगर रोड के ऊपर कोई BMW मर्सिडीज दिखती थी, रेनो दिखती थी, लोग क्या बोलते थे, कौन गया इसमें, अंबानी गया है क्या, जिंदल गया है क्या, टाटा गया है क्या, गोदरेज गया है क्या। आज मनमोहन सिंह वजह से हर कंपाउंड में गाड़ियां खड़ी है, BMW मर्सिडीज, इसको बोलते हैं देश सुजलाम सुफलाम। मेरे को ये बता दीजिए, जिस सरकार के अंदर RBI गवर्नर खाली MA हो, वो क्या देश चलाएंगे। जो बैंकर सिर्फ ब्याज खाना जानती है, वो वित्त मंत्री बनेगी, वो क्या देश चलाएंगे। ये चलाने के लिए साहब अर्थशास्त्र लग रहा है। चाणक्य क्यों पढ़ा था, अर्थशास्त्री था। पहले तो मैं गाड़ी से हाथ जोड़े बोलता हूँ, आप आज घर पे जाके मोदी चिट्ठी लिखो मोदी जी को कि मोदी जी बाहर बहुत बेइज्जती हो रही है, कम से कम अर्थव्यवस्था चलाने के लिए अर्थशास्त्री लेके आओ, ये इनका बजट है। जवाब दीजिए घाटे साहब, जवाब दीजिए घाटे साहब, आपकी सबसे पहले आपके जो अर्थमंत्री उस पर सवाल उठाया गया, प्रधानमंत्री सबसे पे सवाल पहले जो भ्रष्टाचार से डूबी हुई पार्टी है और सुप्रीम कोर्ट में प्रूव हो गया है, वो पार्टी के अध्यक्ष मुझे कह रहे हैं कि मोदी जी को लेटर लिखो, तो हमारे स्टार आपके अध्यक्ष आप खुद नहीं डिसाइड कर पा रहे और आप फाइनेंस मिनिस्टर के बात कर रहे हैं, तो वो रहने दीजिए। एक मिनट, एक मिनट, जवाब देने दीजिए, जवाब देखिए, आप बात कर रहे थे, मैं इंटरव्यू किया बीच में, नहीं किया। हाँ, यस यस, आपने जो बोला मैंने सुना, आप मुझे बोलने दीजिए। SEZ लाया किसने, यही मनमोहन सिंह जी ने लाया ना, मैंने भारतीय जनता पार्टी ने नहीं लाया। आप रिकॉर्ड देख लीजिए, अमर्त्य सेन जी ने क्लियर कट बोला है कि जो SEZ का डॉक्यूमेंट पॉलिसी आपके गवर्नमेंट ने ले ली थी, उसके अंदर क्लियर कट लिखा हुआ है, टोटल आउट ऑफ टोटल FSI 15% विल बी यूज फॉर इन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स एंड 80% फॉर अदर्स। अदर्स ये वर्ड के ऊपर डॉक्टर अमर्त्य सेन ने ऑब्जेक्शन लिया हुआ था, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं लिया था। उन्होंने कहा कि ये अगर अदर्स वर्ड को स्पेसिफाई डिफाइन नहीं किया तो ये रियल इस्टेट बिजनेस हो जाएगा। और इसका जीता जागता उदाहरण के साथ मैं बताता हूँ, मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे पे सज्जन जाते हैं, मैडम तो पुणे की है, हीरा नंदानी का प्रोजेक्ट दिखता है आपको, हीरा नंदानी का प्रोजेक्ट दिखता है, मैडम 650 acres के लैंड SEZ के अंदर ले ली थी, गवर्नमेंट कांग्रेस की थी, प्रोजेक्ट प्रेसिडेंशियल पास हो गया, गवर्नमेंट कांग्रेस की थी, पानी उनको दिया गया, गवर्नमेंट कांग्रेस की थी, उनको लोन दे दिया गया, गवर्नमेंट कांग्रेस की थी, वो लोन उन्होंने डुबाया, गवर्नमेंट कांग्रेस की थी, दो भाइयों में से एक जाके बैठा लंदन, प्रोजेक्ट अटक गया, गवर्नमेंट कांग्रेस की थी। और आप बोल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का SEZ है, भारतीय जनता पार्टी का नहीं, अगला 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 अगले अगली बात, SEZ का 5,000 meters का आपने मुद्दा उठाया, 5,000 acres, आज हमारे टाइम ने हमने कुछ किया नहीं है ऐसा आपका कहना है, चलो ठीक है। आप अभी आपके मुख्यमंत्री महाविकास आघाड़ी के, उनको लेटर लिख दीजिए कि ये सारा का सारा 5,000 acres कैंसिल करे और गांव वालों को अलॉट करे 12.5% का जो दिया हुआ है, और हमारे गवर्नमेंट ने जो 22.5% दिया है, तो बचा हुआ 10% है ना, वो ग्राम गांव वालों को वो 5,000 acres में दे दे, ये मेरा आपसे निवेदन है। कुछ कहना चाह मैं, देखो मैं केवल आपको एक बात कहना चाह रहा हूँ, देखो हालांकि ये बजट का डिस्कशन है, एक सेकंड देता हूँ, घाटे साहब बोला कि कांग्रेस के डूबे हुए हैं भ्रष्टाचार में, आपके 600 acres जेल में डालते ना किसी को, अरे ये राजा छूट गया,
गांधी फैमिली बेल के ऊपर है, और क्या चाहिए? केस में बेल पे होते हैं। हाँ, तुम्हारा तो जब केस एंड पे जाएगी तब जेल जाएंगे। देखो अभी बेल पे, बेल पे मानते हैं ना सुधीर जी? मैं घर से आपको रोकना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता कि जो पुरानी बातें हो चुकी है, पुरानी नहीं, अभी भी बेल पे है, उसको हम टाइम वेस्ट ना करें। अभी भी बेल पे सुधीर जी, लेकिन छूट गए ना मिश्रा जी, आपको क्लीन। सुधीर जी, सुधीर जी, ये पॉलिटिकल पार्टीज का ये टैक्टिक्स रहता है कि जब आप रियल इश्यूज उठाते हैं तो सब हमाम में नंगे हैं, ठीक है ना? तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे पर आरोप लगा के आपको, आपके जो मेन मोटिव है उससे आपको डाइवर्ट कर देते हैं। अब मैं आपको आता हूं, ये अभी बता रहे थे एसीजेड की बात, ठीक है ना? अब इनसे पूछिए मिलैंड को पूरा का पूरा किसने हैंडओवर किया? जो 33% बीएमसी का था, 33% गवर्नमेंट का था और 33% मिल ओनर का था, उसको 100% किसने मिल ओनर के फेवर में किया, इनसे पूछिए कौन है वो आदमी, जरा ये बताएं। दूसरा दूसरा बात, देवेंद्र फडणवीस और बताना क्या एक दिन में हो जाता है? अरे सुन तो लो। हाँ, ठीक है। अब उसके बाद आप सुनो, एसीजेड में तीन तीन हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजों ने ओपिनियन दिया कि रिलायंस से 650 करोड़ रुपए की वसूली की जानी चाहिए दंड के रूप में, और हो सके तो इस लैंड को कैंसिल भी किया जाना चाहिए। उसके बाद ये क्या करते हैं, ये अपने एडवोकेट जनरल के पास सजेशन के लिए लेटर लिखते हैं, सिटको करती है सजेशन के लिए, एडवोकेट जनरल को लिखती है। तीन तीन हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस की बात नहीं मानती है, एडवोकेट जनरल को लिखती है, और एडवोकेट जनरल उसमें राय देता है कि नहीं नहीं, ये ठीक नहीं है, रिलायंस के साथ पंगा लेना और ये बेमतलब का कानूनी पचड़े में पड़ना ठीक नहीं है, इनका 650 करोड़ रुपया माफ कर दिया जाए। और उस एडवोकेट जनरल के राय को आप स्वतंत्र राय मानते हुए 650 करोड़ रुपया माफ कर देते हैं। मेरा सीबीओ के यहाँ, चीफ विजिलेंस ऑफिसर के यहाँ मेरा रिटर्न कंप्लेन है इसको लेकर के, पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ। अभी मेरे को एक बात बताओ, ये हो चाहे ये हो, सीएम आज उद्धव ठाकरे हैं, ऐसा तो है नहीं कि मैं सीबीओ को कंप्लेन कर रहा हूं, मैं एमडी को कंप्लेन कर रहा हूं तो इस चीज से वो अनभिज्ञ है। लेकिन कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए ही काम करती है, ये दिमाग में रखिए। आम आदमी के लिए पॉलिटिकल पार्टीज का रोल बहुत नगण्य रहता है, वरना आज इस देश की इतनी क्रीम कंपनियां बिकने की कगार पर ना होती, और उसके बाद हमारे जैसे लोगों पर इतना टैक्स का अत्याचार, इसको टैक्स अत्याचार बोलते हैं और लूट ऑफ नेशनल एसेट्स बोलते हैं, जो आज का बजट दिखाता है। नहीं नहीं, एक चीज जो इसमें साफ, आपने इंडस्ट्री का नाम लिया, एमएसएमई को सरकार ने उसका बजट डबल कर दिया, अभी 15,700 करोड़ कर दिया है। मैं जानना चाहता हूं कि इतना बजट होने के बावजूद भी आपको क्या लग रहा है कि क्या वाकई एमएसएमई को रोजगार का और एम्प्लॉयमेंट का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है, इकोनॉमी का सबसे बड़ा स्रोत है वो, ऐसे में जो सरकार ने ये पहल की है कि बजट को 7,500 से 15,000 पे कर दिया है, इससे क्या कोई फायदा नजर आता है कि आपको रोजगार मिलेगा, इंडस्ट्री ग्रोथ करेगी? सर घाटे साहब जवाब दीजिए, फिर हम अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। मैं शुरू में जब कहा था कि ये रेस्ट्रिक्टेड समय पे आया हुआ ये पर्टिकुलर बजट है, क्योंकि इकोनॉमी टोटल स्टॉप हो गई है, उसमें से हमको आगे बढ़ना है, उस टाइम एलोकेशन जो है वो आपको एडजस्ट करने पड़ेंगे, कुछ एलोकेशंस अगले बजट में हो जाएंगे। आज के तारीख में दो चीज़ों के ऊपर काम चल रहा है, एक किसान और दूसरा हेल्थ सेक्टर, और जब तक हेल्थ सेक्टर था, अगर ये पैंडेमिक सिचुएशन कोरोना वैक्सीन ये प्रायोरिटी दिया गया है, न्यूमोकोकल वैक्सीन ये भी उन्होंने दिया गया है, तो ये प्रोविजन करते समय टोटल जो अमाउंट है उतने अमाउंट में ही आपको सब करना पड़ता है। और एक बात बोलना चाहती हूँ कि वैक्सीनेशन का फ्री करना चाहिए था, एक्सपेक्टेड था लोगों का, लेकिन वो किया नहीं। अभी तक उसकी कोई डेफिनेट अनाउंसमेंट हुई नहीं है, लेकिन प्राइवेट अगर कोई फ्री में नहीं जाना चाहता, प्राइवेट जो होता है तो वो भी ऑप्शन मेरे ख्याल से आएगा। तो उसको टाइम लग जाएगा, तो ऑप्शन ओपन भी रहेगा कि जिनको प्राइवेट करना है तो प्राइवेट पे चले जा सकते हैं। जैसा मैं अपने लिए कोशिश कर रहा हूँ, कोरोना जाने बात करेंगे फ्री, बिहार को फर्स्ट। बताऊँ वैक्सीनेशन और मेडिकल फील्ड में भी कितने बड़े बड़े माफिया बैठे हैं, वो बात की बात है। पहले आप इस पर आ जाओ कि इनका कहना यह है कि कोरोना काल में बहुत सारी चीजें प्रभावित हुई हैं, फिर मिलिनायर्स की संपत्तियां 35% से कैसे राइज कर गई, 35% उनमें राइज कैसे आ गया। दूसरी चीज आपको मैं बताऊं, 1993-94 और 2017 और 18, इसमें आपको मैं पर कैपिटा इनकम का आपको थोड़ा सा एनालिसिस कर देता हूं।
पर कैपिटा इनकम जो इंडिया का रेशियो, मान लो कि इंडिया का पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आय जो है वो 100 रुपया है मान लो, तो उस वक्त का और आज 2017-18 का मैं आपको वर्णन कर देता हूँ, 34% था। मान लो 100 रुपया है तो बिहार का था 34 रुपया, ठीक है ना, वो घट कर करके हो गया 32 रुपया, ठीक। उसके बाद यूपी, यूपी का अगर 56 रुपया था तो वो घट करके हो गया 52 रुपया। एमपी 1993-94 73 रुपया अगर था 100 के मुकाबले तो वो घट करके हो गया 71। उसके बाद पंजाब 142 रुपया था तो वो घट करके हो गया 122। उसी हिसाब से अगर आप चले जाओ झारखंड, अगर 66 रुपया था तो वो घट करके हो गया 57। अरे साहब, यहाँ स्टेट की पर कैपिटा इनकम लगातार घटती जा रही है और आपके मिलीनायर्स की संपत्ति लगातार बढ़ती जा रही है और इस लेवल पर बढ़ती जा रही है कि वो आपके बैंक खरीद सकते हैं, वो आपके जहाज बनाने की फैक्ट्री खरीद सकते हैं, वो आपके एरोप्लेन खरीद सकते हैं, वो आपके एयरपोर्ट खरीद सकते हैं। आज आप जीबीके में जाइए, आज जीबीके ने जो मुंबई एयरपोर्ट आपका डेवलप किया, देखने में बहुत खूबसूरत है, नो डाउट, लोगों को सुविधा के लिहाज से भी लगेगा कि बहुत अच्छा है, लेकिन वहां पर केवल आप पार्किंग से वो कितना पैसा कमाता है, ये जो पार्किंग बोल रहे थे कि कंटेनर पार्किंग वहां दे दिया, कहां, अडानी के जेएनपीटी में, तो वो जो बता रहे थे मैं उसी का एक उदाहरण आपको दे देता हूं। आप जाइए और एयरपोर्ट में केवल पार्किंग से उसकी इनकम कितनी है, खाली उसका एक डाटा निकाल लीजिए, फिर आपको मालूम चलेगा कि ये खेल क्या चल रहा है। ये मैं इस सेगमेंट को आगे बढ़ाने से पहले मैं एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक एक सिंगल कोट लेना चाहता हूं। क्या कहना चाहेंगे आप कौशिक साहब, जो अभी अभी बात चर्चा चली है उस पर क्या आपका ओपिनियन है? ये जो बजट है ना, ये बजट बिना एक्सपर्ट लोग का बजट है, जिनको देश की नब्ज समझता नहीं है, जिन लोगों को सिर्फ हमारे भाई राजीव सिंह जो बताया ना, जो मिलिटरीज है उनका फायदा कैसा हो, जो उन्होंने बोल दिया वैसा बजट बना दिया, ये वैसा बजट है। इतने बड़े बड़े आंकड़े उन्होंने बताया है, लेकिन वो रूट तक कितना जाता है वो देखना पड़ेगा। रेस्ट्रिक्टेड टाइम में, रेस्ट्रिक्टेड कंडीशंस में बेस्ट अचीवेबल बजट ये है जिसके अंदर से उम्मीद डेफिनेटली जागी हुई है। उम्मीद जागेगी निश्चित तौर पर। हम अगले सेगमेंट में बात करेंगे कि एमएसएमई में जो 15,700 करोड़ सरकार ने प्रावधान किया है, इस बजट से वाकई आम लोगों का फायदा होगा कि नहीं और उम्मीदों पर यह बजट खरा उतरेगा कि नहीं, लेकिन इससे पहले एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहिए टीवी वन इंडिया के साथ। क्या है समस्या, कौन है जिम्मेदार, नगर सेवक, अधिकारी या सरकार? वार्ड परिक्रमा में खुलेगा भ्रष्टाचार का राज, जब बुलंद होगी आम जनता की आवाज। नगर सेवक को तो कभी नहीं देखा, नगर सेवक का भी काम है कि वो यहाँ के नगर में देखे, डेवलपमेंट तो कहीं पे नजर नहीं आ रहा। हम बहुत वार्ड परिक्रमा खोल। नमस्कार, मी डॉक्टर श्याम उर्मिलाबाई चिदानंदराव मोरे आपल्या समोर लवकरच घेऊन येतोय एक आगळा वेगळा कार्यक्रम, ज्याचं नाव आहे कुछ बाते कुछ मुलाकात। मराठी, हिंदी आणि इंग्रजी या तिन्ही भाषेतून होणाऱ्या या चर्चा सत्रात सामान्याचं असामान्य कर्तृत्व, जगमान्य नेतृत्व आणि सर्वमान्य वक्तृत्व यांच्या चर्चा होतील। या चर्चेत कधी गीत असेल तर कधी संगीत असेल, कधी आत्मा असेल तर कधी परमात्मा असेल, कधी राजकारण असेल तर कधी समाजकारण असेल, कधी भावना असतील तर त्या भावनेशी संबंधित विश्व असेल, कधी ज्ञात असेल तर कधी अज्ञात असेल, कधी टाळ असेल तर कधी मृदंग असेल, कधी वाणी असेल तर कधी वाणीचा विलास असेल, कधी संशोधन तर कधी प्रबोधन असेल, आणि कधी कधी या सर्वांना गुंफणारं एक भावनांचं विश्व तुमच्या समोर सादर केलं जाईल। अशा या अनोळखी पण अथक प्रवासात ओळखीचे आपण सारे जण उम्मीदों पर कितना खरा उतरा। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। केंद्र सरकार ने जिस बार के बजट में एक चीज का प्रोविजन किया है कि जो एमएसएमई है उसके ऊपर 15,700 करोड़ का बजट एलोकेट किया है। पिछली बार यह आधा था इसका, तकरीबन 7,500 करोड़ था। और जैसा कि सब जानते हैं कि एमएसएमई जो है वो रोजगार को बढ़ाने का सबसे बड़ा जरिया है, इकोनॉमी का बहुत बड़ा बैकबोन है। कितना उम्मीद आपको लगती है, मैं कौशिक साहब से शुरू करता हूं, कि जो एमएसएमई को ये 15,700 करोड़ दिए गए हैं, आपको लगता है कि वाकई इस मंदी के दौर में
और जबकि नौकरियां छिन गई हैं, और ज्यादा रोजगार जो है सृजित हो पाएगा और ज्यादा रोजगार को प्रोत्साहन मिल पाएगा। बजट से आप MSME का 15 कर दो, 20 कर दो, 50 कर दो, बजट तो उसके करते कुछ बचेगा, ये कंपनी सारी खत्म होगी, सब तो कॉर्पोरेट के हाथ में चला गया है। ये बजट क्या है, खाली पब्लिक की आंखों में धूल झोंकने के लिए। अगर आपने करना ही था तो MSME के लिए लाइट सस्ती करते, प्लॉट सस्ते करते, आप उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर सस्ता करता। आप चाइना का मॉडल लो, मैं चाइना जाके आया हूँ, चाइना क्यों जल्दी खड़ा हुआ, क्योंकि छोटी छोटी उद्योगपति हर जगह पे, जापान क्यों हुए, छोटे छोटे उद्योगपति घर के ऊपर है। उसकी वजह से क्या होता है कि आपको, जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, राजीव गांधी जी, भारतीय कंपनी जापान की थी, उनने क्या बोला, हमने अपना टेक्नोलॉजी दिया है, उससे पहले पूरी की पूरी गाड़ी बाहर जाती थी, वो बोले हमने आपसे गाड़ी नहीं मांगी, टेक्नोलॉजी मांगी है। उसकी वजह से गुड़गांव के पूरे एरिया में कोई सीट बनाता है, कोई नट बोल्ट बनाता है, कोई रेजिन बनाता है, इसको बोलते MSME। इसको नहीं बोलते कि बजट तो बना दिया, लेकिन कॉर्पोरेटर वाला कुछ छोड़ेगा तो बजट काम में आएगा ना, सब तो उनके पास गया। तो ये तो साहब, ये तो आग में धूल झोंक दिया। सर के पॉइंट को मैं आगे बढ़ाती हूँ। एक तो प्रोटेक्शन नहीं है MSMEs कंपनीज को, होता क्या है कि लार्ज स्केल स्केल कंपनी जो है वो उनको टाइम पे पेमेंट नहीं देती। एक्चुअली रूल ऐसा है कि 45 डेज में उनको पेमेंट मिलना चाहिए स्मॉल स्केल कंपनीज को, लेकिन नहीं मिलता है तो पेनल्टी लगनी चाहिए, तो ये कंपनी सिक्योर हो जाएगी। अगर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज सिक्योर होती है तो एम्प्लॉयमेंट सेफ रहेगा और जनरेट भी हो जाएगा, उनके खुद के कंपनीज की डेवलपमेंट हो जाएगी। और अभी इंफ्रास्ट्रक्चर पुअर है। अभी महाराष्ट्र की बात की तो महाराष्ट्र को कुछ एक्स्ट्रा प्रोविजन दिया नहीं है, तो महाराष्ट्र के कंपनीज का डेवलपमेंट कैसे होगा। और सेकंड थिंग, लैक ऑफ एडिक्वेट कैपिटल, कि जो अभी जो आप बोल रहे कि 15,700 करोड़, उसका वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कंपनीज को कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, इसका उन्होंने डिटेल में कुछ बताया नहीं, कुछ स्पष्टता नहीं दिख रही है आपको, ये ऐसे क्या कहना चाहेंगे मिश्रा जी? देखिए, मैं तो एक बात आपको बोलता हूँ कि MSMEs का इम्पोर्टेंस क्या है, आप इसी से समझिए कि अगर एम्प्लॉयमेंट की संख्या आप देखेंगे तो सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट MSMEs के पास है। ऐसे में जो देश का रियल, आप कहेंगे कि देश चल किन की बदौलत रहा है, तो इनकी बदौलत रहा है। अभी के समय में जैसे उन्होंने बोला कि आप उनको तो उस तरह की सुविधाएं नहीं दे रहे हैं। अब जैसे बैंक लोन की बात आप ले लीजिए, आज जितने भी बड़े बैंक फ्रॉड आप देख रहे हैं, या बैड लोन आप बोलिए, या जहां पर डिफॉल्टर हुए हैं लोग, वो सब कॉरपोरेट हैं, कोई MSMEs नहीं है। MSMEs क्या है कि उनका अगर 25-50 लाख रुपए का भी नुकसान हो जाता है तो उनकी पूरी कंपनी बर्बाद हो जाती है। वैसी स्थिति में इनको कम से कम बैंक लोन इजिली कैसे अवेलेबल हो, कम से कम परसेंटेज पर कैसे अवेलेबल हो, जब तक आप इस बात का ख्याल नहीं करेंगे। और जिस तरीके से आज बड़ी कंपनियों का खाली आप बैलेंस शीट देख करके, उनके फर्जी दस्तावेज पर आपने उनकी जो कंपनी का स्ट्रेंथ नहीं था उससे तिगुना आपने उनको जो लोन दे दिया, और वो सब आपके डिफॉल्टर बन गए, और उस डिफॉल्टर कंपनियों के ही डायरेक्टर आपके यहाँ दूसरी कंपनी लेकर के फ्रीली काम कर रहे हैं, और आप वैसे डायरेक्टर्स की पहचान नहीं कर रहे हैं कि जो डिफॉल्टर रहे हैं और उनकी नई कंपनियां चल रही हैं, तो उस नई कंपनी को भी हम अपने कब्जे में करें। और आप MSMEs जब लोन के लिए जाते हैं तो उनसे आप इतना ज़्यादा सिक्योर्ड लोन आप उनको देना चाहते हैं कि वो बेचारे उतना सिक्योर्ड अपने आप को बता ही नहीं पाते। वैसी स्थिति में उनको वो फायदा नहीं मिल पाता, और वो जो आपने दिखा दिया 15,700 करोड़ जैसे मैडम ने कहा, लेकिन कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, किस MSMEs को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कैसे उनको इजी टू रीच करेंगे कि उनके पास वो पैसा आसानी से पहुंचे, ये आप कैसे करेंगे। जब तक ये सब चीजें आप नहीं करेंगे, जो कि बड़े कॉरपोरेट जगत में देखी जाती है, जैसे बड़े कॉरपोरेट वाले आपके यहाँ एक ऐसी जेट का नाम ले लिया, आपने 5,000 एकड़ जमीन दे दी, उसके बाद आपने एक अलग लॉ बना दिया। अगर आप ऐसी जेट के लॉ को पढ़ेंगे, मैं घाटे साहब से इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि अगर कांग्रेस ने यह पाप किया है तो कांग्रेस बहुत बड़ा पापी है। क्यों? क्योंकि ऐसी जेट का रूल्स क्या है, आप ये समझो, ऐसी जेट का रूल्स ये है कि इवन बिना उस कंपनी के परमिशन के आपके पुलिस की गाड़ियां भी उस कंपनी में इंटर नहीं कर सकती, जब तक कि मतलब एक तरह से आपने उस पूरे एरिया का उसको मालिक बना दिया,
वो गवर्नमेंट से बाहर चली गई है, उस पूरा अधिकार वहां पर एसीजेट कंपनी का चलेगा। तो इतना बड़ा जैसे आपने उनको फायदा दिया, फिर 7 साल तक 5 साल तक नो टैक्सेशन। अभी आप मेरे को बताओ कि जब आप बड़ी कंपनियों के लिए इतना कर सकते हैं, 4,000 करोड़ रुपए का बिजली बिल माफी, ये जो तलोजा इंडस्ट्रियल स्टेट आप देख रहे हैं वहां आपने बड़ी बड़ी इंडस्ट्री को दे दिया। तो हम एमएसएमईज हैं, हमारा 2 महीने का भी अगर बिजली बिल बकाया रहता है आप काट करके मीटर लेके चले जाते हैं और वहां 4,000 करोड़ रुपए का बिजली बिल माफी करते हैं। तो ये सब चीजें जो है ना, ये विसंगतियां हैं, ये मान रहे हैं कि विसंगतियां हैं। और क्या जवाब देना चाहेंगे सर? क्या होता है, कुछ चीजें जो सवाल ऐसे उठाए जाते हैं ना, मराठी में कहते हैं आत्या बाईला मिशा अस्तर, तरीके का कुछ बातें मुझे लगता है ऐसा हो रहा है करके। सबसे मैं बताता हूँ, रियलिटी है वही, हमने आपको सारी चीजें बताता हूँ। बता लो। अभी सबसे पहला जो आदरणीय कौशिक जी है, उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी से अपना नाता जोड़ लिया। अभी इलेक्ट्रिसिटी से कॉमन आदमी महाराष्ट्र में कैसे मरा है, महाविकास आघाड़ी ने कैसे कैसे डिसीजन इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर ले लिए और अभी बिजली काटना भी शुरू कर दिया। इसका अनुभव मिश्रा जी भी लेते रहेंगे, शायद मैं भी ले रहा हूँ। अभी राजीव गांधी जी ने मारुति लेके आ गया करके बताया। मेरा सौभाग्य है कि ये सुजुकी कंपनी जो है जिसके साथ मारुति ने एग्रीमेंट किया, उसके एक मैन्युफैक्चरर के पास मैं 4 साल सर्विस करता था। सर अभी मैं आपको बताता हूँ एग्रीमेंट क्या होता था। वहाँ पे छोटे छोटे यूनिट वगैरह ऐसे कुछ नहीं आते थे। मारुति सुजुकी कंपनी कंडीशन डालती थी, अगर आपको हमको सप्लाई मटेरियल करना है तो सुजुकी कंपनी को जापान में जो सप्लाई करता है उसके साथ आपको टाई अप करनी पड़ेगी, और वो टाई अप अगर होगा तो आप यहाँ पे एलिजिबल होगे हमको सबमिट करने के लिए। मैं क्लच ऑटो, मैं कंपनी के नाम के साथ आपको बताता हूँ, मैं क्लच ऑटो कंपनी के साथ रोकिए मत, आधा सच जो है ना वो कभी भी तकलीफ वाला होता है। पूरा सच बताता हूँ। हुआ ये कि क्लच ऑटो को अगर मटेरियल सप्लाई करना है तो आईसीएनसी की कंपनी को, सुजुकी को जो सप्लाई करता है उनके साथ टाइप करना पड़ेगा और वो 60-40 रेशियो पे टाइप करना पड़ेगा, फॉरेन पैसा जा रहा था। आज के तारीख में ये सारे नॉर्म्स चेंज किए गए हैं, आप सिर्फ टेक्नोलॉजी दे दीजिए, टाइप नहीं होता, टेक्नोलॉजी का टाइप हो जाता है। ये बेसिक जो है ना फर्क आप देख लीजिए, एम्प्लॉयमेंट इंडिया में जनरेशन होता है, क्लच ऑटो में भी जनरेशन हो गया, लेकिन आज के तारीख में फंड्स जाना जो शुरू हो गया टाइप के वजह से वो रिस्ट्रिक्शंस आ गया। तीसरी बात इन्होंने बताई कि डिसइन्वेस्टमेंट टू अवॉइड डिजिटाइजेशन टू अवॉइड फ्रॉड्स, जा सारे के सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हो जाते हैं। जैसे राजीव गांधी जी ने बताया था, स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने बताया कि मैं केंद्र से 1 रुपया भेजता हूँ, नीचे 15 पैसे पहुँचते। आज DBT जो किया हुआ है, ये DBT एक दिन में नहीं आया, डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर, इसके लिए काफी मुशक्कत करनी पड़ी, पॉलिसी चेंज करनी पड़ी, वो करके आ गया। और आज आपको सबको अनुभव आता होगा, जब आप बैलेंस शीट भरते हो अगर इनकम टैक्स रिफंड होगा तो आपको जाके वहां पे खड़ा रहना नहीं पड़ता कि मेरा इनकम टैक्स रिफंड का चेक दे दो करके, आपके अकाउंट में डायरेक्ट चला जाता है। तो करप्शन कहीं ना कहीं कम होते जा रहा है। मैं ये मानता हूं कि ये ओवरनाइट होने वाला चीज नहीं है, 70 साल में जो भ्रष्टाचार की रूट्स जो गड़ी गई है वो एक दिन में खत्म हो गई। आपकी सरकार है, 70 साल की गिनती मत कीजिए, और 7 साल में सरकार जो किया है उसकी कितना फर्क आ गया। आज आपके पास इनकम टैक्स रिफंड आने लगा, देखिए आपका गैस का सब्सिडी आपके अकाउंट में आने के लिए लगा। क्या मिश्रा जी कुछ बोलना चाहते हैं? देखिए बोलते हैं इनका कुछ एक मुद्दा रहता है, 70 साल भ्रष्टाचार देश में था क्या? 70 साल पहले बनाया हमने है, अगर हमने भ्रष्टाचार किया तो एक एग्जाम्पल दे दो, इसको हमने जेल में डाल दिया हो, डाला तो हमने डाला होगा, ये आपके मुद्दे रहने दो। अगर कोई किया था तो हमने उस पर कार्रवाई भी की है, ये राजा हमारा मंत्री था, हमने कार्रवाई किया, क्यों छोड़ दिया आपने उसको? ये छूट गया बार वो, ये भाई आजाद बंद कर दो। हमने नहीं छोड़ा, जुडिशियरी में केसेस चल रहे हैं, वो जुडिशियरी डिसाइड करेगी, कार्रवाई गवर्नमेंट नहीं करती, गवर्नमेंट जुडिशियरी के पास भेजती है, जुडिशियरी डिसाइड करती है, बेल जुडिशियरी देती है, बेल हमने अपनी फाइल जुडिशियरी के पास रखना है, सच है झूठ है आप बता दो, नहीं तो फिर होता क्या है कि हमारे ऊपर खुन्नस रख के बीजेपी काम कर रही है। जैसे बेल मिल गया कि नहीं मिल गया राहुल गांधी जी को और सोनिया जी को, मिला कि नहीं मिला, बेल पे है कि नहीं,
बेल पे कि नहीं, क्या केस डिस्पोजल हो गया? नहीं, अभी सवाल ये नहीं है कि वो बेल पे है, वो तो कानूनी मामला है जो होगा होगा। आपको मैं है बेल पे तो बोलना चाहिए ना। मैं बार बार कहता हूँ, ये दो पॉलिटिकल पार्टी को आप करोगे ना तो ये लोग मुद्दे से भटकाएंगे। मैं बजट का सच जानता हूं। अब आपको मैं बता रहा हूँ, अभी आ जाइए भ्रष्टाचार का। इन्होंने एक बहुत बड़ा अच्छा उदाहरण दे दिया। इस देश का बर्बादी का जो सबसे बड़ा जड़ है, जो देश में आम लोग जो आप देख रहे हैं जिस स्थिति में, इसमें भ्रष्टाचार नंबर वन कारण है। आपने भ्रष्टाचार के लिए कितना 7 साल में बड़ा बड़ा डिसीजन लिया है सो देखो। ईडी को ट्रांसपेरेंसी नहीं है, आईटी को ट्रांसपेरेंसी नहीं है, सीबीआई को ट्रांसपेरेंसी नहीं है, आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन जिसको कि एक हथियार माना जाता था, कम से कम कांग्रेस ने वो हथियार तो लोगों को दिया था, आपने उसको भी पाबंदी में डालना शुरू कर दिया है। आज के समय में मीडिया को आपने किसी भी तरीके से एन केन प्रकारेन जिसको बोलते हैं, आपने मीडिया को भी पूरी तरीके से बंदिश में डाला। आज के समय में ऐसा है कि जुडिशियरी भी अपने आप को कहीं ना कहीं बंदिश में पा रही है। वो नहीं चाह करके भी, कॉमन मैन का दर्द देखने के बाद भी जुडिशियरी वो निर्णय नहीं ले पा रही है जो उसको लेना चाहिए। आज मैं आपको बताता हूं, अगर आप भ्रष्टाचार के प्रति नहीं जागरूक, एक मिनट, अभी जैसे इनकम टैक्स है, आपने टैक्स एवेशन का जितना नोटिस दिया है 5 करोड़ से ऊपर का, उसको वेबसाइट पे क्यों नहीं डालते हैं कि ये 5 करोड़ से ऊपर के डिफॉल्टर हैं और ये लोग भागे फिर रहे हैं? क्यों नहीं डालते हैं? ईडी का जितना आपका केस है वो एफआईआर आप वेबसाइट पे क्यों नहीं डालते हैं? सीबीआई का जितना केस है वो एफआईआर आप वेबसाइट पे क्यों नहीं डालते हैं? सीबीसी का जितना मैटर है वो आप बताइए, कॉमन मैन का क्या लेना देना है? एक मिनट देखिए, आप भ्रष्टाचार पे आ रहे थे, पहले इनकम टैक्स स्क्रूटनी है ना, कॉल आता था कि आप टैक्स एवेशन का बात कर रहे हैं, एक मिनट, फेसलेस असेसमेंट चालू हुआ नहीं हुआ? हम असेसमेंट की बात नहीं कर रहे, हम एवेशन की बात कर रहे हैं। वो बाद में की प्रक्रिया है, तो फिर हम एवेशन की बात कर रहे हैं। कहां से होता है? नहीं नहीं, अब मतलब कहां से होता है, किसको समझा? जब आप फेसलेस नहीं करोगे उसके बाद आगे का हो जाता है। पहले मुझे भी कॉल नहीं गया कि आप आ जाइए, मैं फेसलेस से नहीं गया, बताना है। मैंने फेसलेस का कहां विरोध किया? मैं कह रहा हूं वेबसाइट पे डालो ना, ये 5 करोड़ का टैक्स चोरी किया है। ट्रांसपेरेंसी क्यों हो रही है कि योजनाओं की? अच्छा आपको मैं बताऊं, मैंने 400 करोड़ रुपए का, एक मिनट सर, मैंने 400 करोड़ रुपए का टैक्स एवेशन का नोटिस एक मेरे हाथ लगा, मैं उसको लेकर के, एक छोटा सा इनके समय का बता दूं, मैं गया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, मैंने बोला भाई आपने ये 400 करोड़ का टैक्स एवेशन का आपने नोटिस भेजा था, इस पर आपने कितना वसूली किया, हमको जानकारी दीजिए राइट टू इंफॉर्मेशन में। उन्होंने बोला ये प्राइवेट इंफॉर्मेशन है, नहीं दिया जा सकता, जबकि ये टैक्स कलेक्शन का इशू है, ये प्राइवेट इंफॉर्मेशन। मैंने किसी का इनकम टैक्स रिटर्न नहीं मांगा था, वो टैक्स एवेशन की नोटिस के एवज में आपने जब्त कितना किया वो। उसके बाद मैं अपील में गया, अपील में भी मुझे यही जवाब दिया गया, प्राइवेट इंफॉर्मेशन है, आपको नहीं दिया जा सकता। सूचना आयुक्त, केंद्रीय सूचना आयुक्त तक गया, केंद्रीय सूचना आयुक्त ने जो ऑर्डर पास किया वो भी थोड़ा मतलब जिसको बोलते हैं आधा अधूरा ऑर्डर उन्होंने भी पास कर दिया, कंफ्यूजिंग बात कर दिया कि 138 में आप फिर से इनकम टैक्स में अपील कीजिए और शायद आपको वो दे दें, अगर उनको उचित लगेगा तो दे देंगे। क्यों इतना आप पब्लिक से टैक्स चोरों को आप सेफ गार्ड में रख रहे हो? अरे ये चोर हैं, इनको सामने लाओ ना, इनको सामने लाओ, इनका चेहरा दिखाओ लोगों को। ठीक है, सरकार इसी के लिए काम कर रही है, जो जैसा कि बीजेपी और सरकार का कहना है कि ट्रांसपेरेंसी लाई जा रही है, डिजिटल प्लेटफॉर्म इसीलिए डेवलप किए जा रहे हैं। अभी हमारे साथ इंडस्ट्रियलिस्ट काफी जुड़े हुए थे, जो पहला इसका डिबेट था, उन्होंने कहा कि ये जो बजट है उस पर उनकी बहुत एक निगेटिव प्रतिक्रिया थी कि कुछ राज्यों में चुनाव है उसको देखते हुए उन स्टेट्स को बेनिफिट देने की कोशिश की गई है। क्या कहेंगे आप सर, क्या वाकई जहां जहां चुनाव है उसी को लेकर वहां के स्टेट को प्राथमिकता दी गई है बजट में और बाकी स्टेट को पर कोई ध्यान नहीं दिया? ये भारत सरकार जो बजट देती है ना वो पूरे भारत के लिए देती है, तो इसमें मेरे राज्य के लिए नहीं दिया या उस राज्य के लिए नहीं दिया, इस तरीके से सोचना नहीं चाहिए। सबसे पहली बात ये मानसिकता मुझे गलत लगती है। दूसरी बात, काफी सालों से जब महाराष्ट्र को ज्यादा मिल रहा था, मणिपुर, आसाम, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल, यहाँ नहीं मिल रहा था, गुजरात में नहीं मिल रहा था, हरियाणा में नहीं मिल रहा था, तब तो आपके पास नहीं आया कि मुझे थोड़ा कम दे दीजिए, थोड़ा आज उनको ज़्यादा दे दीजिए। और रहा सवाल चुनाव का, तो भारत के चुनाव की सिस्टम ही ऐसी है कि हर साल
हर महीने कहीं ना कहीं चुनाव चलते रहता है, तो चुनाव को अगर इसके साथ जोड़ेंगे, अब मुंबई से लेके कन्याकुमारी हाईवे होने वाला है, ना मुंबई में कोई बीएमसी का चुनाव है, ना कन्याकुमारी में कुछ चुनाव है, लेकिन वो कहा गया है कि वो स्ट्रेच करनी है, काम तो करनी है, पिछले साल नहीं हो गई, ये साल की, तो ये सोचना मेरे ख्याल से गलत है कि हमारे स्टेट को अलग, उनके स्टेट को ज्यादा, पूरा भारत एक है, भारत के सारे टैक्स पेयर है, भारत एक कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि नहीं पक्षपात किया गया है। हां हां, नागपुर और नाशिक मेट्रो प्रकल्प, उसका अगर हमने वैल्यू देखा जो एस्टिमेट अभी बताया है, तो वो लगभग होता है 8,000 करोड़, ओके, और अगर तमिलनाडु की बात की है तो 1 लाख करोड़, तो कितना डिफरेंस है आप ही बताइए। अभी पश्चिम बंगाल में जो चुनाव है उसका है 25,000 करोड़, इतना उन्होंने बताया है, आसाम में भी 34,000 करोड़ इतना बताया है, तो ये है ना कि महाराष्ट्र को बहुत ही कम, जैसे कि आप चॉकलेट दिया है, ऐसे ही होता है, ये बात स्टेट डिवीजन वाली बात हो गई, जब कोस्टल रोड सैंक्शन हो गया, नहीं ये मानसिकता ही बेसिकली गलत है कि तमिलनाडु को 1 लाख करोड़ दे दिया। मुझे बात बताइए, तमिलनाडु स्टेट के अंदर कुछ डेवलपमेंट हो रही है कि जो कनेक्टेड विद अदर स्टेट है, वहां पे अगर पोर्ट्स के ऊपर कुछ काम हो रहा है करके उधर अगर फंड डाइवर्ट किए गए तो उसके अंदर नहीं, महाराष्ट्र में होएगा ना, क्यों नहीं होएगा, ऐसा नहीं होता कि महाराष्ट्र का इतना परसेंट कलेक्शन जाता है करके इतना परसेंट। आज महाराष्ट्र में सारे स्टेट के आदमी लोग काम करते हैं, कोई एक स्टेट का आदमी काम नहीं करता। आज हमारे बिहार से आते हैं, क्या आप, मैं ये कह सकता हूँ, नहीं नहीं बिहार को मत दो, महाराष्ट्र को दो, नहीं हर एक स्टेट के आदमी को फंड अलॉट होते हैं, और ऐसा होता नहीं है परसेंटेज के हिसाब से फंड, वो पूरी की पूरी योजना होती है, योजना इस वक्त महाराष्ट्र पे जाएगी तो महाराष्ट्र को फंड आ जाएगा, रोड्स अगर महाराष्ट्र में आएंगे तो महाराष्ट्र में आ जाएगा। जो मुंबई कन्याकुमारी तक हाईवे बोला ना सर, ये मुंबई कन्याकुमारी तक नहीं है, ये एक्चुअली केरल से उन्होंने आगे लेके जाने वाले। कौशिक साहब बोलिए, आप बोलिए। विजय काटे साहब ने बोला कि जो बजट बनता है ना पूरे देश को देख के बनता है। विजय काटे साहब ने बोला कि गुजरात हरियाणा का बजट कम था, असम कम था, और यहाँ महाराष्ट्र ज्यादा था। सदमिकाल से विजय काटे साहब अभ्यास नहीं करके आए, जब मोदी जी सीएम थे गुजरात को मनमोहन सिंह ने 40,000 करोड़ रुपये दिया था, 40,000 करोड़, लेकिन उन्होंने ये नहीं देखा कि मोदी जी ने सीएम है, उन्होंने ये देखा कि देश की अर्थव्यवस्था इक्वल कैसे चलेगी। उस टाइम पे किसी एक पत्रकार ने कहा था कि साहब इतना अगर आप बजट दोगे इसको तो ये पॉपुलर हो जाएगा, बोला मेरा काम ये नहीं है, मेरा काम क्या, देश की अर्थव्यवस्था स्मूथ लेके जाना। लेकिन हमको इतना धक्का लगा, इतनी शर्म आई जब एक पार्टी की प्रतिनिधि इस देश की वित्त मंत्री बिहार में खड़ा करती है, बिहारियों को फ्री में वैक्सीन दूंगी। मैडम ने कहा 25,000 करोड़ बंगाल को दिया, बंगाल में सीएम कौन है? नहीं, आपको इलेक्शन लड़ना था, फिर आपको भी लड़ना था ना, 40,000 करोड़ दिए तब आपको भी गुजरात में लड़ना था ना, मैं एक छोटा सा बात कहना चाहूंगा। ये संकुचित मानसिकता है कि हमारे स्टेट को इतना, ये स्टेट भारत का ही है, देखिए, और महाराष्ट्र के अपने रिसोर्सेस है, महाराष्ट्र के अपने रिसोर्सेस कई ज्यादा है बाकी के स्टेट से, ये तो आप मानते हैं ना, तो रिसोर्सेज है तो जहाँ कम रिसोर्सेज है वहां मिलेगा। सिलीगुड़ी और बंगाल का, कलकत्ता सिलीगुड़ी का अगर रोड बनाने का है तो खर्चा वही जाएगा ना कि महाराष्ट्र को जाएगा। एक मिनट, हमारा कुछ नहीं, देखिए साहब कि टैक्स एक बार मैंने दे दिया भारत सरकार को, भारत सरकार का हो गया। आप ऐसा नहीं होता है कि मैंने इतना टैक्स भरा करके इतना मुझे चाहिए, ये ऐसा टैक्स होता ही नहीं। मुझे पता नहीं आपने LLB करके ऐसे सोच के बात समझो। आपने बात बोली LLB पे, साहब मैं एक मिनट, मैं मुंबई का लोग रिजेक्ट हुआ, ध्यान रखना, मुंबई यूनिवर्सिटी का लोग ग्रेजुएट हुए, मुंबई यूनिवर्सिटी का मानता हूं ना, और मैंने एमफिल कॉमर्स बीएससी कॉमर्स तक किया हुआ है, मानता हूं। मेरी बात सुन लो, मेरी बात, आप अगर बात पे आए ना, अब मैं आपको बताता हूँ, चाणक्य की पुस्तक उठाना, जहाँ इनकम सोर्स होते हैं वही आपको इन्वेस्ट खड़ा करना पड़ता है ताकि और बढ़े, जहाँ डूबता है यही देश कर रहा है, और यही देश कर रहा है, जहाँ डूबा दिया था वहां से इनकम जनरेट होना शुरू हो गया। आज फ्यूचर क्या है इंडिया का, टूरिज्म फ्यूचर है, टूरिज्म पे आपने क्या काम किया बताइए, नहीं
नॉर्थ ईस्ट को आपने क्या किया बताइए, नॉर्थ ईस्ट को क्या किया? अरुणाचल का क्लेम के लिए आपने क्या किया? लद्दाख में क्या किया? लद्दाख में आज एक यूनिवर्सिटी आ रही है, लद्दाख को आपने क्या, इंडिया नहीं है लद्दाख? बताइए आप मुझे, लद्दाख इंडिया नहीं है? बॉर्डर के ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर था आपका, बॉर्डर सिक्योरिटी के ऊपर बात कर रहे हैं, क्या खर्चा किया बॉर्डर सिक्योरिटी के ऊपर? आप दो मिनट सुनिए, जो गलत है गलत है। बहुत सारे इलाकों में मोदी सरकार ने जहां उपेक्षित इलाके थे निश्चित तौर पे काम हुआ। अरे आज बॉर्डर ऐसे ही छोड़ के रखा हुआ था। ले लद्दाख आप गए सब कभी? मैं जाके आया 10 दिन अभी। आपने बात किया जब कुछ भी नहीं था हमने खड़ा किया, आप जो खर्च कर रहे हो ये कांग्रेस की तरह 34 लाख का बजट आपको बनाने को मिला, आपकी जहाँ सरकार रहती सब कुछ अपने क्या आ गया गुजरात का? नहीं ठीक है ठीक है सर, वो बात सही, यूनियन की ओर मैं जा रहा हूँ। सरकार ने कहा कि किसानों के लिए खासतौर पर एग्रीकल्चर को फोकस किया गया है, उस पर बजट किया गया है। अभी फिलहाल 70 दिनों से किसानों का आंदोलन चल रहा है, क्या इस बजट से इस किसान आंदोलन पर आपको लगता है फर्क पड़ेगा? आप कौशिक साहब आपसे शुरू करता हूँ। आप मुझे कोई चीज दे रहे हो मुझे नहीं मांगता, क्यों दुरुस्ती करते हैं आप? मैं हूं ना जिनकी पीढ़ी दर पीढ़ी खेती करते निकल गए, तो उनका अनुभव नहीं है। और जिसकी पीएम की गृहमंत्री एक 5 इंच जगह खेती की नहीं है वो अनुभवी हो गए। किसान का तो सत्यानाश इस देश में कर दिया, खत्म हो गया किसान। मतलब इस बजट में जो एग्रीकल्चर पर फोकस किया गया कोई फायदा नहीं होगा? किसान क्यों बैठे, क्या मूर्ख है क्या पागल? कभी उनका आतंकवादी, कभी टेररिस्ट, ये मौका भी आपने दिया, ये मौके भी आपने दिए। आप उनसे बात करते, ठंडी बात हो रही है, कई दौर की बातचीत हो चुकी है, उस पर निर्णय क्या कहना चाहेंगे मैडम? मोदी सरकार मुझे लगता है किसानों के प्रति बहुत असंवेदनशील है, क्योंकि अगर इतने 70 डेज से ज्यादा हो गए और संवाद चल रहा है तो कंक्लूजन क्यों नहीं निकल पा रहा है कि मांगे पूरी नहीं हो रही है, इसलिए वो कंटिन्यू करना चाहते हैं। और अभी तो उन्होंने 6 फेब को चक्का जाम का इशारा दिया है, तो ये बात क्लियर है कि ये सरकार, मोदी सरकार जो है वो किसानों के प्रति अच्छा काम नहीं कर रही। क्या कहेंगे मिश्रा जी, इस बजट पर क्या असर पड़ेगा, बजट का असर क्या पड़ेगा? अभी आप देखिए मैं तो इस बजट में कितना प्रावधान किसानों के लिए किया गया और कैसे उसको फायदा पहुंचेगा, आप इसी से अंदाजा कर लीजिए कि जब मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बने थे, 2013 की बात कर रहा हूं, तो वो बोल रहे थे कि जैसे ही मैं प्रधानमंत्री बना पहला काम जो करूंगा किसानों की कर्ज माफी करूंगा। और उसी के बाद जब प्रधानमंत्री बन गए तो अमित शाह बोलते हैं कि अरे ये सब तो चुनावी जुमला चलता ही रहता है, तो किसानों के प्रति उनकी संवेदना इससे नजर आती है। दूसरी बात कि अब आप समझ लीजिए कि आप किसान के लिए कोई कानून बना रहे हैं तो किसके लिए बना रहे हैं? अगर आप मेरे लिए कानून बना रहे, मेरे बेनिफिट के लिए बना रहे हैं तो मुझसे पूछ के बनाएंगे ना, मुझे मौका देंगे ना आप? और जब किसान आपके पास खड़े हैं, मैं कहता हूं मोदी जी आइए ना किसानों के साथ ओपन प्लेटफॉर्म पर वीडियोग्राफी के साथ और किसानों को उनका फायदा समझाइए और किसानों का जो नुकसान है उनको सुनिए, आइए एक बार, आपकी बात तो पूरा देश सुनता है, मन की बात से आप सबको सुनाते हैं, आइए ना एक बार वीडियो में और सारे किसान नेता को एक साथ बैठाइए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में और आप बैठिए और कीजिए डिसीजन। अब बताइए क्यों मोदी जी नहीं आ रहे हैं किसानों के बीच में, आखिर ये समस्या क्यों नहीं सुलझ रही है? अगर कोई आदमी सोया होगा तो उसे जगाया जा सकता है, लेकिन कोई सोया ही नहीं है, आंख बूंद के बैठा हुआ है तो उसको उठाया नहीं जा सकता। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कीजिए ना लोगों को, सगळ्यात पहिली गोष्ट शिवसेनेने महाराष्ट्रात हा लॉ एप्लिकेबल केलेला होता, त्याच्यानंतर मग परत यू टर्न घेतलाय पार्लियामेंट मध्ये पण सपोर्ट केला लोकसभा। एक मिनिट मैं जो बात कर रहा हूँ जिन्होंने अपने पार्टी की तरफ से बात किया उसका रिप्लाई मैं दे रहा हूँ। नंबर एक सवाल, नंबर दो क्यों नहीं आ रहे किसानों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस सिस्टम कर रहे हैं? सिस्टम है ना, क्यों सिस्टम है? सिस्टम करेगा कि मन की बात के लिए सिस्टम नहीं? ये देखिए सबसे पहली बात, ये क्या है मालूम है, वो इमोशनल कार्ड बार बार खेल के है ना चलता नहीं है। देश चलाना है ना तो देश के पद्धति से चलेगा। नंबर मतलब मार करके बैरिकेडिंग कर करके और मुझे नहीं, मुझे एक बात बताइए, 26 जनवरी को जिस तरीके से पुलिस को मारा उस बारे में आप कोई एक वर्ड? पुलिस ने जिस तरीके से किसानों को मारा, कभी मारा नहीं देखा आपने? जब आग पे चढ़े ट्रैक्टर चढ़ा के किया तब उनके हाथापाई होगी, लेकिन पुलिस ने संयम बरता, मार खाया लेकिन संयम बरता। लाल किले के पुतले तो कई जगह पे 70 दिन तक किसान आंदोलन कर रहे थे। एक मिनट, 70 दिन से वो बैठे हुए थे, तब तक आपको नजर नहीं? सबसे पहली बात, जो गलत फहमी है, ये कानून आने से किसान बर्बाद हो जाएगा,
ये एक ऑप्शन है। तो मोदी जी को बोलिए समझाएंगे, कितने बार का है को? ये ऑप्शन है, ये एक मिनट क्यों नहीं बैठे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मीडिया के सामने क्यों नहीं बैठे? क्या है, सिर्फ चिल्लाने से होता नहीं, आप फैक्ट समझ लो। ठीक है, ठीक। सबसे पहली बात, हम तो शांति से बोल रहे हैं। नहीं नहीं, आपका वो आलू आगे से पीछे से सोना वाला खेती नहीं है, ये अलग खेती है, समझे ना आप? तो आप पहले सुनो, आप मेरी नहीं नहीं मेरी बात सुनो आप। सबसे पहला ये कंपल्शन नहीं है, ये ऑप्शन है, नंबर एक। नंबर दो, इतना सारा हो गया, हमको नहीं चाहिए। इतना सारा हो गया, डेढ़ साल के लिए ये स्थगित किया गया, लेकिन अगर कोई कहता है फिर लगाएंगे। नहीं नहीं, वो बात की बात, ये वही बात हो गई ना, वो करेंगे ना, वो होएगा, ऐसा नहीं चलता गवर्नमेंट। ये खाली विरोधी पक्ष कर रहा है, स्थगित कर दो ना साहब, डेढ़ साल बाद फिर से नया कानून लेके आ जाओ। देखिए क्यों नहीं कर दे रहे, सरकार है ना, कानून लेके आएगी, पांच लाख अडानी अंबानी का क्या लेना देना है? वो तो सब कुछ तुम्हारा, कहा मोदी जी को बोलो ना, वो हमारा कोई नहीं है, वो आपका होगा, क्योंकि अडानी अंबानी आपके कार्यकाल में ऊपर आए हुए, हमारे कार्यकाल में नहीं। आप बताइए ना, विजय मलैया को लोन दे दो, इसका आपका डॉक्यूमेंट एविडेंस को बदला दीजिएगा। मैं क्या बोलूं, मैं बात कर रहा हूँ, ये ऑप्शन है, कंपल्शन नहीं है, और इसी के ऊपर राजनीति हो रही है। और जबकि स्थगन के बाद भी कमिटी गठित की गई है, कमिटी के साथ चर्चा करके डेढ़ साल में आपको जो अमेंडमेंट, टोटल 18 अमेंडमेंट्स लाके रखे हुए। मुझे एक बात बताइए, जो टिकेट साहब को मिलने को जाते हैं, 18 अमेंडमेंट्स उन्होंने बात किया कि यह 18 अमेंडमेंट्स हो गए, हमारी 3 अमेंडमेंट्स और चाहिए। उनका एक ही कहना है, कृषि कानून पीछे ले लो, कृषि कानून पीछे ले लो, कारण है, इसके सिवा कारण है, कारण कुछ नहीं, कारण सिर्फ पॉलिटिक्स है, इससे और कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। एक एक मिनट सुनिए, ठीक है, सब सुनो, एक मिनट एक मिनट। और कितने किसान है महाराष्ट्र से, कितने किसान गए? सिर्फ एक सेकंड, कोई किसान नहीं गए हुए। आज कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, मैं आपको आम का बताया, कितना आम का फ्लावर देख, कितना बड़ा झूठ आप बोल रहे हैं। पूरे किसान चल करके पैदल मार्च करते हुए महाराष्ट्र से आए हैं, वो पॉलिटिकल पार्टी का, पॉलिटिकल पार्टी का, इसके पहले भी आ रहा है, वो पॉलिटिकल, इसके पहले भी आए, जो किसान में है वो बहुत। मैं आज टिकेट साहब को जोड़ा पॉलिटिकल पार्टी से, टिकेट को जोड़ा पॉलिटिकल पार्टी से नहीं जोड़ा, लेकिन उनको सपोर्ट देने के लिए पहुंचे हुए पॉलिटिकल पार्टी है। आप आम आदमी पार्टी पहुंची, राष्ट्रीय लोकशाही पहुंची, कल शिवसेना पहुंची, उन्होंने क्या किया अपने अपने स्टेट में, क्या किया समझे? ठीक है, ठीक है, दे दीजिए, आप सपोर्ट दे दीजिए। एक ये बड़ा मुद्दा है, ये अभी भी देश भर में बहस चल रही है और सरकार बहस कर रही है। आखिरी सवाल, उन्होंने बोला है, मनमोहन सिंह से मिलने जब अंबानी जाता था 10 फीट दूर से बात करता था, इनका पीएम उनकी बीबी साथ मिलाता है, उससे मिलाते हैं, नहीं ये तो व्यक्तिगत, ये देखिए मैं व्यक्तिगत मामले पे नहीं जा रहा हूँ। आखिरी कमेंट आप लोगों से आखिरी कमेंट लेना चाहता हूँ, बजट की दो खामियां बताइए और दो अच्छाइयां बताइए। नंबर एक तो मिडिल क्लास खत्म, नंबर दो किसान खत्म, ये खत्म तो सब कुछ खत्म, तो आम आदमी को बिल्कुल ही राहत नहीं मिली है। और दूसरी पॉइंट, मुझे सबसे बड़ी बात ये लगी है, मुझे उम्मीद थी कि वो महिलाओं के सक्षमीकरण के लिए, महिलाओं का वेलफेयर के लिए, आम लोगों पर जो टैक्स का बोझ है ना, वो दिनों दिन बढ़ाते जाया जा रहा है, जो कि अच्छा नहीं है। इसको जल्द से जल्द कंट्रोल किया जाना जरूरी है, क्योंकि आम लोगों की आमदनी घटती जा रही है। दूसरी बात यह है कि जो हमारा रूरल सेक्टर है, रूरल सेक्टर को कैसे अर्बन फैसिलिटीज हम दें, हम रूरल को खत्म ना करें लेकिन अर्बन फैसिलिटीज हम रूरल सेक्टर में कैसे दें, ये बहुत बड़ा एक मुद्दा होना चाहिए था, जो इस बजट में दिखाई नहीं दे रहा। वो मुझे जो कमी दिखाई दे रही है वो मैं आपको बता रहा हूं। और अगर आप अच्छाई की बात करेंगे तो मैं एक बात बोलता हूं, हालांकि इजी टू डूइंग बिजनेस जो एक पॉलिसी है, निश्चित तौर पे उसमें बहुत बड़ी राहत देने की प्रयास की गई है इस गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन हमको ये थोड़ा सा, आप कह सकते हैं कि मैं ड्यूअल माइंडेड हूं, लेकिन एक चीज मुझे लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इसी बहाने उद्योगपतियों को कुछ और छूट दी जा रही है, ये भी हो सकता है। लेकिन मेरा ये है कि इजी टू डूइंग बिजनेस उन्होंने वो ठीक किया है। और दूसरा एक जो सिंपल लोगों के लिए है कि अगर 3 साल तक आपके इनकम टैक्स असेसमेंट पर कोई सवाल नहीं उठता है तो फिर आपको उस इनकम टैक्स असेसमेंट के बारे में किसी भी प्रकार का क्वेश्चन करने का अधिकार इनकम टैक्स को नहीं होगा, बशर्ते अगर उसमें कोई बड़ा टैक्स एविजन का मामला ना हो, तो ये एक अच्छा राहत का है। अवेलेबिलिटी काफ़ी सारी है, अगर देखने जाओ तो एजुकेशन के बारे में वहाँ पे काफ़ी सारी इन्वेस्टमेंट की गई है, हेल्थ सेक्टर में की गई है, टूरिज्म के ऊपर कॉन्सनट्रेट किया गया है, फिशरीज के ऊपर
कॉन्सेंट्रेट किया गया है। yes. जहाँ तक एमएसएमई का सवाल है तो वहाँ पे महिला भी अपना हक जो है वो एमएसएमई के थ्रू कर सकती है और उम्मीद महिलाओं से ज़्यादा है एमएसएमई में आगे आने के लिए, क्योंकि आदमी नॉर्मली लार्जर सेक्टर के ऊपर या जॉब के ऊपर चला जाता है। तो ओवरऑल अगर जो देखेंगे तो अवेलेबल कंस्ट्रेंट रिसोर्सेज में आज के तारीख में बेस्ट बजट ये भारत सरकार ने दिया गया है। बाकी चर्चा में जो भी कोई अमेंडमेंट लगेगी या जो भी कोई नया कुछ करना पड़ेगा वो कमी क्या दिखती है कोरोना के टाइम में ही इतना कमी है, उसमें से अच्छा करना, इससे ज्यादा और क्या हो जाता है। जैसा कि आपने हमारी परिचर्चा में सुना कि जो बजट को लेकर कांग्रेस, शिवसेना और जो एक्सपर्ट है उनकी राय है कि तमाम अभी खामियां हैं, लेकिन हालांकि बीजेपी अभी भी इस बात को गंभीरता के साथ कह रही है कि बजट निश्चित तौर पर उम्मीदों भरा है और चुनौतियों के बीच जिस तरह से बजट को एलोकेट किया गया है, अलग अलग फिशरी और अन्य जो अनटच्ड जो बहुत सारे मुद्दे थे उनके ऊपर ध्यान दिया गया, तो निश्चित तौर पर इससे राहत मिलेगी, आमजनों को राहत मिलेगी, रोजगार और इंडस्ट्री को राहत मिलेगी। हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही हो। आज की परिचर्चा में इतना ही। हम अपने सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। अगली बार हम फिर किसी परिचर्चा में आपके साथ दोबारा रूबरू होंगे। तब तक दीजिए हमें इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए टीवी वन इंडिया। नमस्कार। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।